हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर और आपके लिए नए नवेला चैनल जिसका नाम है डाउटनेट 10th हिंदी मीडियम। आप सभी का इसमें बहुत स्वागत है। भरपूर प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ साझा करते रहिए, क्योंकि ये सेशन, ये चैनल आपके प्यार के लिए है और आपकी बेहतरी के लिए है। तो चैनल को प्यार भरपूर देते रहे। आपके लिए लगातार हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं, वन शॉट लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ हमारी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। तो बस आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको हर एक वीडियो देखनी है, अपने दोस्तों के साथ साझा करनी है और कॉमेंट सेक्शन पर जाकर बताना कि ऐसी और कौन सी चीज है जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसे आपकी जरूरत है और क्लास 10th का आपका जो सेशन है वो और मजबूत कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए बिना लेट किए, इसका पहला पार्ट मैंने बनाया था जैव प्रक्रम, एक बड़ा चैप्टर है और इसे आज हम खत्म करेंगे इस पार्ट के साथ में। तो पहला पार्ट मैंने बनाया था आपको और उस पे मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर दी थी। होप सो आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका पहला पार्ट जाकर सबसे पहले देख लीजिएगा। आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का दूसरा विषय। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यह एक्सप्लेन कर दिया था कि यार देखो, जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है। कोई भी जीवित है, अगर उसे जिंदा रहने के लिए पोषण चाहिए, भोजन चाहिए, है ना, किसी ना किसी तरह से स्वयं पोषण, पर पोषण कुछ ना कुछ करके फिर वो भोजन लेगा, फिर उसका पाचन करेगा, श्वसन करेगा, फिर उसका परिसंचरण करेगा, फिर उत्सर्जन करेगा। यही सारी प्रक्रियाओं में जीवन बीतता है और हम इसी प्रक्रिया के विषय पे बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैंने आपको स्वयंपोषी के विषय में बताया था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण वगैरह सब कुछ मैंने समझा दिया था। अब बात है यहां पर कि मनुष्य में जो ह्यूमंस हैं, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो कैसे पाचन कर रहे हैं, तो उनके विषय पे आज हमारी चर्चा होने वाली है। ये डायग्राम ह्यूमंस का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में। आप एक बार इस डायग्राम को देखकर बनाने की जो अपनी कल्पना है आप उसे कर सकते हैं कि कैसे इसे बना सकते हैं। अगर आपसे ना बने डायग्राम तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना। जो जो डायग्राम आपसे नहीं बने, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको डायग्राम के क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सवाल आता है कि भाई हमने खाना खाया, जस्ट लाइक हम ह्यूमन है, हम खाना खा रहे हैं। हमारे शरीर में होने वाला हर एक कार्यक्रम बिना कारण के नहीं होता। हर चीज का कोई ना कोई कारण है, हर चीज हर एक कारण से होती है। जैसे हमने खाना मुंह में लिया, हमने चबाया, तो चबाने का भी एक रीजन है कि अगर हम नहीं चबाएंगे तो वो पेट के अंदर जाके टूट नहीं पाएगा, वो पार्शियल डाइजेशन नहीं हो पाएगा, आंशिक रूप से उसका पाचन नहीं हो पाएगा और वो हमारे शरीर में उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो पहले मुंह में चबाना बहुत जरूरी है। फिर मुंह में लार आता है, वो लार का भी अपना एक रीजन है, जो मैंने बताया था आपको कि एमाइलेज नामक एक एंजाइम रिलीज होता है लार से, जो मुंह में स्टार्च का पाचन करता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। इसीलिए आप कभी डबल रोटी या रोटी थोड़ी देर तक अगर आप चबाते रहेंगे तो आपको वो मीठा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो रोटी है उसमें स्टार्च है, एमाइलेज की उपस्थिति में वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया और माल्टोज में बदलते ही वो आपको मीठा 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 लगने लग जाता है। ये आपके पाचन की पहली परिणति है, ये पहले पाचन की कहानी है। ठीक है भाई, अब भोजन आपका पहुंच गया यहां से स्टमक में, तो अब कहानी आएगी कि भाई जब हम लोग भोजन को हम लोग पहुंचा दिए स्टमक में, ये जैसे एनसीईआरटी अगली लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने भोजन को अब पहुंचा दिया स्टमक में, मतलब हिंदी में उसे हम कहते हैं आमाशय में। अब आमाशय में क्या है, स्टार्च पाचन हो चुका है, अब आमाशय में भोजन पहुंचा, तो आमाशय में कुछ ग्रंथि है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, इसका नाम है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई साहब इसका नाम है, और ये बहुत कुछ जबरदस्त जबरदस्त रिलीज करता है। आमाशय के पास में ये ग्रंथि, आप जिसे 12th-11th वाला जो सेक्शन है ना उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, अभी तो यहां पे उतना डिटेल नहीं कर सकते हम इसको, लेकिन फिर भी जठर ग्रंथि जो होती है हमारे पास में, उसके पास बहुत जबरदस्त पार्ट है। इसके पास एक केमिकल है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, इसका नाम है केमिकल पेप्सिनोजन, ये रिलीज होता है। दूसरे नंबर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक एंजाइम होता है जो सिर्फ बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, और बच्चों में जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है प्रोरेनिन, ये एक नाम है प्रोरेनिन। अच्छा, कुछ अमाउंट में, छोटा सा अमाउंट, कुछ मात्रा में एक और केमिकल रिलीज होता है लाइपेज। केमिकल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको केमिकल क्लियर हो गया तो फंक्शन क्लियर है। सीधी सी बात है ना यार, कि हर जगह जब भी हम कहीं पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के केमिकल्स को जान गए कि अपने आप केमिकल समझ में आ जाएगा, रिएक्शन समझ में आएगा। तो सुनो, पेट में क्या होता है,
तो देखो यार, पेट में क्या चाहिए हमें? पेप्सिनोजन था, HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया ये पेप्सिन में, और पेप्सिन जो है जनाब ये करेगा प्रोटीन का पाचन। तो एक कहानी क्लियर हो गई कि प्रोटीन का पाचन होता है कहां पर? हमारे आमाशय में। और करता कौन है? पेप्सिन नामक एक एंजाइम करता है। दूसरा, HCl का कहां है? HCl यहां पर पीएच मेंटेन करता है भाई साहब, यही है पेट की आग, यही है पेट की आग। अगर ये आग ज्यादा जली रहे तो उसे पेट की आग को कहते हैं ना कि यार एसिडिटी हो गई है, मतलब एसिडिक हो गया है, वो HCl की वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरो एसिडिक एसिड है, ठीक है, ये रिलीज होता है। साथ ही साथ में यहां पर एक पांचवें नंबर की बात मैं बताता हूं, यहां पर एक और चीज रिलीज होती है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस जो है यह HCl से प्रोटेक्शन देगा, मतलब सब कुछ है, दर्द दवा सब कुछ इनके पास में है। अब ये दर्द दवा क्या सब कुछ इनके पास में है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए चाहिए हमको HCl। अब HCl आया, ये तो अम्ल है, और अम्ल तो यार इतना पीएच होता है बाबू इसका कि 1-2 पीएच, 102 पीएच मालूम आपको कितना होता है? इतना अगर किसी के मुंह पे मार दे मुंह जल जाए, राख हो जाएगा आदमी, चेहरा राख हो जाता है, चेहरा जल जाता है। तो इतना HCl में भोजन हमारा पचता है, इतने HCl में। तो हमारा पेट क्यों नहीं पचता है? सवाल पूछा जाएगा कि यार पेट में ऐसी कौन सी ताकत है कि पेट इतना HCl को झेल जाता है, हमारा चेहरा तक जल सकता है? म्यूकस जनाब, म्यूकस नाम है श्लेष्मा, ये जो है HCl से प्रोटेक्शन देगा, HCl से प्रोटेक्शन देगा। बहुत शानदार, क्या बात है। बच्चों में है प्रोरेनिन, ये भी कन्वर्ट होगा HCl के प्रेजेंस में रेनिन में, और आपको पता है ये रेनिन क्या करता है बच्चों में? मिल्क डाइजेशन, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन। मिल्क जो प्रोटीन होते हैं ना, याद रखना, बच्चों में ही सिर्फ मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन यानी पाचन करवाते हैं। मिल्क बच्चों में ही पाचन हो पाता है मिल्क प्रोटीन का। जो बच्चे दूध पीते हैं ना, उसमें एक प्रोटीन होता है, नाम होता है उसका कैसीन, ठीक है, कैसीन कहते हैं उसको, कैसीन प्रोटीन। और वो कैसीन प्रोटीन जनाब, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कैसीन प्रोटीन जिसे कहते हैं, ये मिल्क में होता है और इसी का बस पाचन होता है कहां पर? बच्चों में, बड़ों में नहीं होता, ठीक है यार। अभी का आया लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। तो कुल मिलाकर जितने एंजाइम है उतने काम है, और आपको डाइजेशन पेट के बारे में सारी बात इस डायग्राम में लिख दी भाई साहब, ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेट में अगर खाना पहुंचा तो वहां पर HCl था, पेप्सिनोजन को हमने HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट किया, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, खत्म, क्या बात है। HCl आया, ये थोड़ा सा अम्लीता बना के रखता है कि थोड़ा सा यार आग लगे, खाने में आग लगाओ, थोड़ा सा पचाओ चाहो उसको, तोड़ो, HCl जरूरी है। अब HCl इतना ज्यादा अम्ली हो गया, बचे कैसे? तो म्यूकस जरूरी है, फिर थोड़ा बहुत रेनिन जो बच्चों में पाचन करवाएगा, और लाइपेज ये वसा का पाचन करवाएगा। बस इतनी सी बातें हैं जनाब, सॉरी। अब हम आते हैं यहां पर NCERT, समझ लेते हैं कि यार पाचन कार्य हो कैसे रहा है। तो यार पाचन का कार्य करने के लिए आमाशय में कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि, लिखा था ना डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, कौन सी ग्रंथि चाहिए? जठर ग्रंथि चाहिए, ठीक बात है। जठर ग्रंथि करेगी क्या? तो जठर ग्रंथि सबसे पहले रिलीज की HCl, बहुत शानदार, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है, और तीसरा चीज श्लेष्मा। तीनों क्यों चाहिए? वैसे मैंने आपको प्रोरेनिन लाइपेज भी पढ़ा दिया, पर यहां पर वो तीन ही लिखा हुआ है कि यार एक तो HCl है ताकि भोजन को जलाया जा सके, एकदम राख बना दिया जाए। पेप्सिन क्यों? प्रोटीन का पाचन के लिए। और म्यूकस क्यों? प्रोटेक्शन चाहिए हमको, समझे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करेगा। जैसे मैंने बताया HCl पेप्सिन तब तक नहीं बन पाएगा जब तक HCl नहीं होगा। तो HCl का काम यह है कि HCl माहौल बनाता है बाबू, माहौल, पीएच 1.2 पीएच बनाएगा, तब जाके प्रोटीन का पाचन होगा, अदरवाइज प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा। तो माहौल चाहिए हमको, पेप्सिन से प्रोटीन के पाचन के लिए माहौल चाहिए जो HCl दे दिया। लेकिन इतना अम्ल कर दिया, ठीक है, इतना अम्ल कर दिया, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो इस अम्ल को बचने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें जो है आमाशय में आंतरिक आस्तर तो होती, तो परत तो होगी, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की आंतरिक परत तो है जिससे वो बसता है, साथ ही साथ में म्यूकस भी रिलीज होता है। दोनों से पीएच वगैरह बढ़िया मेंटेन करके हम अपने आहार नाल को बचा लेते हैं। जैसे एक NCERT लाइन लिखा, बहुधा वयस्कों में एसिडिटी, जो अम्लीता भी होती है, ये भी इसी HCl की वजह से ही होता है।
यही HCL है जो आपको एसिडिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, अम्लीता प्रोवाइड करता है। कभी कभी बढ़ जाता है ना तो अम्ल 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 सब कुछ हो जाएगा और फिर आपको एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। बहुत शानदार। अब क्या हुआ देखो, तो अमाशय के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन अब छोटी आंत जब आएगा यहाँ पे तो छोटी आंत के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल किया हुआ है। अब छोटी आंत को हम थोड़ा बहुत आपको डायग्राम आइग्राम बना के हल्का 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 समझाते हैं यार, ठीक है? आजा आजा समझो यहाँ पर। तो इतनी बात छोटी आंत की आपको दिखेगी। छोटी आंत के तीन भाग आपको दिखाई देते हैं। इसका नाम होता है, इसे हम नॉर्मल ड्यूडेनम कहते हैं, क्षुदांत्र नहीं सॉरी इसे अपन कहते हैं, ये हो गया ड्यूडेनम, ठीक है? ये ड्यूडेनम हो गया। इसके बाद हमारे पास में ये हो गया जेजुनम, ठीक है? और ये वाला भाग होता है इलियम, इसे अपन कहते हैं इलियम, ठीक है? हिंदी में अगर हम इन तीन विषयों के बारे में बात करें तो ये होता है भाई क्षुदांत्र, क्षुदांत्र इसका नाम होता है अग्र क्षुदांत्र, अग्र क्षुदांत्र, ठीक है? और इसका नाम होता है ग्रहणी, इसका नाम क्या होता है? ग्रहणी, ड्यूडनम। तीन भाग है हमारे पास, ठीक है? ये तीन भाग है। भोजन यहां से आता है और इसके आगे यहां पर हमारा अमाशय वगैरह रहता है, तो पढ़ा ही हुआ हम लोगों ने ये अमाशय वगैरह वगैरह, ये अमाशय वगैरह बना हुआ पेट वगैरह जो है ये, ठीक है? ये पेट है। सो पेट से भोजन इधर निकला, ठीक है? अब भोजन जो है अमाशय से भोजन अब जो है आगे क्षुदांत्र में प्रवेश कर गया, धीरे धीरे आगे प्रवेश करता हुआ चला जाता है, ठीक है? अच्छा, इनके बीच में एक चीज और है, मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, हल्का हल्का ही समझना है। इनके बीच में यहां पर ना एक कपाट होता है, इनके बीच में कपाट होता है जो भोजन आगे तो जाने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। वैसे पेट के पास में भी होता है, पेट और ग्रसिका के बीच में, कि वहां पर भी एक कपाट है जो भोजन को आगे तो जाने देगा वापस नहीं जाने देगा। कभी देखे ना, तुम कितना भी खाना खा लो अगर तुम उल्टा हो जाओगे ना तब भी तुम्हारा खाना वापस नहीं आ जाता। रीजन है कपाट है उनके बीच में, भोजन सिर्फ आगे की तरफ में जाएगा, पीछे आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो भोजन आपका आगे की तरफ प्रवेश किया, अवरोधनी पेशरी द्वारा नियंत्रित हुआ ताकि भोजन पीछे ना जाए, और क्षुदांत्र जिसका नाम है इलियम सबसे लंबा भाग है और बहुत कुंडलित है। ये जो बाकी भाग है बड़ा भाग है, ये और उससे छोटा भाग है थोड़ा ज्यादा कुंडलित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाएं हैं वो इस कुंडलित भाग में होगी। हालांकि मैंने छोटा बनाया इसको, लेकिन ये बहुत लंबा भाग होता है। अब उतना लंबा तो अपन बना नहीं पाएंगे इसलिए मैंने शॉर्टकट में बना दिया, पर सबसे कुंडलित भाग यही है क्षुदांत्र, और सबसे ज्यादा अभिक्रिया यही पर हो रही है। तो अत्यधिक कुंडलित आने के कारण जो होता है इसमें सबसे ज्यादा स्थान है, और ये जो क्षुदांत्र है ये सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग मतलब इसकी लंबाई सब में अलग अलग है। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनका क्षुदांत्र छोटा होता है। बड़ा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, जो मांसाहारी होते हैं उन्हें बड़े क्षुदांत्र की आवश्यकता नहीं होती, बड़े इलियम की आवश्यकता नहीं होती, लंबा इलियम नहीं है, उनका इलियम छोटा है, उनकी हारनाल छोटी होगी। पर जो शाकाहारी लोग होते हैं उनका क्षुदांत्र जो है वो बड़ा होता है, ठीक है? तो घास खाने वाले शाकाहारी जो सेल्यूलोज पचाने के लिए, इनके पास जो क्षुदांत्र है वो लंबी क्षुदांत्र होती है। तो जो शाकाहारी है उनकी क्षुदांत्र लंबी है और उनका जो आहार नाल है वो भी लंबा है, लेकिन जो मांसाहारी है बाघ जैसे इनका क्षुदांत्र वगैरह बहुत छोटा होता है। गॉट माई पॉइंट? क्षुदांत्र के विषय में जान गए कि भोजन, उसके बाद ड्यूडनम, ड्यूडनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम में आया, क्षुदांत्र में आया, और ये बहुत ज्यादा कुंडलित है बाबू, यही पर सारी अभिक्रियाएं होगी, और ये जो सारी अभिक्रियाएं यहां पर होंगी इसलिए हो रही क्योंकि ये कुंडलित बहुत है। जितना ज्यादा शाकाहार खाओगे कुंडलन उतना बढ़ेगा, मांसाहार खाने वालों का कुंडलन नहीं होता। अब बच्चे सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों? तो क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि जो सेल्लोज होता है वो पचने में वक्त लगता है, उसके एंजाइम्स उतने ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते, उसको पचाना है हमें समय चाहिए होता है, इसलिए उसको पचाने के लिए समय चाहिए, धीरे धीरे करके वो पाचन एवं अवशोषण होता है, इसलिए सेल्लोज के लिए लंबा नली चाहिए, जबकि मांस खाने वालों का पाचन अवशोषण थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसलिए यार वो लोग चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? अब सवाल है कि क्षुदांत्र तक पहुंच तो गए, अब क्षुदांत्र मतलब समझ रहे हो ना, छोटी आंत, ये जो क्षुदांत्र है भाई साहब, ये क्षुदांत्र मतलब क्या है,
छोटी आंत। और जब अपन छोटी आंत बनाते हैं, जब अपन छोटी आंत बनाते हैं, ये वाला जो छोटी आंत वाला सी शेप, ऐसा आपने डायग्राम ये सब बनाया होगा, इसको बनाते समय एक बात और अपन ने ध्यान दी थी, या फिर मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया था कि यार जब ये यहां पर छुदान तक पहुंचता है, इसी बीच में यहां पर कुछ और ग्रंथियां भी होती हैं। एक ग्रंथियां, जैसे हम इसको बना दिए तो मान लेते हैं ये अग्न्याशय है, तो यहां से भी कुछ आता है पैंक्रियास, पैंक्रियास भी कुछ द्रव रिलीज करता है पाचन आचन के लिए। पैंक्रियास के ऊपर से अगर हम यहीं से देखेंगे, यहीं से एक पाइप है जो ऊपर की तरफ में यहां पर बनी हुई थी, और उस भाग का नाम हम मान लेते हैं लीवर है। हम उस भाग का मान लेते हैं कि वहां पर क्या था, लीवर था। ये लीवर भी जैसी एक चीज है, ठीक। लीवर के पास में यहां पर एक और चीज थी जिसका नाम था यार पित्ताशय। क्या नाम था? पित्ताशय था, जो आगे जाकर यहां से ऐसा मिला हुआ रहेगा, बाद में इसको अपन समझेंगे। तो हमारे पास तीन चार प्रकार की ग्रंथियां भी तो हैं, यहां पर पित्ताशय है, यहां पर यकृत है, और यहां पर अग्नाशय है, और ये सब के सब सारे जाकर ग्रहणी में खुलते हैं। तो इनके रस बहुत निर्धारित होंगे, इनके रस जो निकलेंगे वो बताएंगे कि क्षुधांत्र में होगा क्या। ये जो क्षुधांत्र है ये हमें जगह है, ये यहां पर रिएक्शन होगा, लेकिन सबके सब पहुंचे कहां पर। यहां से पहुंचने के लिए हमारे पास यकृत से चीज आई है, अग्नाशय से चीज आई है, पित्ताशय से चीज आई है, एंजाइम्स ये तीनों हैं, और फिर आहार नाल का खुद का अपना अलग भाग होगा, छोटी आंत भी होती है, और उस छोटी आंत्र का ग्रंथि जो है, आंत्र की ग्रंथि भी इनके पास होती है। ये चार लोग मिलाकर, अग्नाशय, लीवर, पित्ताशय, छोटी आंत, ये सब लोग मिलकर एक रसायन मुक्त करते हैं, और ये सब रसायन मिलकर मुक्त छोटी आंत में रिएक्शन चलता है इनका। तो अगर हम छोटी आंत की बात करें, हम शॉर्टकट विषय पे बात करें, तो यार छुदांत्र ऐसी जगह है जहां पर सब चीजों का पाचन होता है। आपको पता है छोटी आंत में हर चीज का पाचन हो जाता है, बड़ी आंत सिर्फ नाम की है, बड़ी आंत में ज्यादा अभिक्रियाएं नहीं होती, ज्यादातर अभिक्रियाएं छोटी आंत में होती हैं, और वो भी छुदांत्र में। तो जो भी कुछ बचा, स्टार्च मुंह में पच गया था, आहार नाल में सॉरी आमाशय में प्रोटीन पच गया, थोड़ा सा लाइपेस पच गया, बाकी जो कुछ भी बचा, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, बचा हुआ प्रोटीन, बचा हुआ वसा, सब का सब कहां पचेगा? छुदांत्र में। छुदांत्र मतलब छोटी आंत में। मतलब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पाचन कहां होता है बाबू, सबसे बड़ा पाचन होता है छोटी आंत में और उसके छुदांत्र में। अब यहां पर पाचन हो क्यों रहा है? यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे एंजाइम यहीं पर पहुंच रहे हैं। यहां यकृत से यकृत का रस पहुंच जा रहा है, अग्नाशय से रस पहुंच जा रहा है, यकृत से पहुंच जा रहा है, पित्ताशय से पहुंच जा रहा है, छोटी आंत से खुद पहुंच जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब कुछ पहुंचता है, और यहां पे पहुंचने वाला भोजन, जो भोजन अमाशय से आया, अच्छा अमाशय का भोजन कितना था? बहुत अम्लीय था। अमाशय का जो भोजन था वो अम्ल से आया है ना, 1 pH से आया है। उसको छोटी आंत में जाना, उसको क्षारीता में बदलना है, तब जाके माहौल बन पाएगा। तो अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय है, और उस अम्लीय भोजन को अग्नाशयी एंजाइम के साथ मिलाकर हम क्षारीय बनाते हैं। समझ रहे हैं? उतना अम्ल अगर आपके छोटी आंत में पहुंच जाए, आंत में अल्सर हो जाता है। सुना होगा आपने, पेट में छाले पड़ना, पेट में फोड़े पड़ना, इसलिए पड़ने लग जाते हैं क्योंकि अमाशय का इतना अम्लीय भोजन अगर छोटी आंत में जाएगा, मामला मसला हो जाएगा जनाब। तो इसलिए वहां पर वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो अमाशय में अम्लीय और छोटी आंत में क्षारीता होती है अग्नाशय के कारण। ठीक बात है। यकृत से भी एक हार्मोन रिलीज हुआ, नाम है पित्तरस। मतलब यकृत से भी केमिकल रिलीज होंगे, पित्तरस आएंगे, और ये वसा का पाचन करवाता है। ये काम मुख्य रूप से वसा पर कार्य करता है, ये मुख्य रूप से वसा का कार्य करता है। वसा में जो क्षुधांत्र में जो वसा है वो बड़ा बड़ा होता है, पच नहीं रहा होता, उसे छोटा छोटा भाग में कन्वर्ट करता है। ये पित्तरस का काम है। आपसे पूछा जाए कि अग्नाशयी रस का काम क्या है? अम्लीय पीएच से क्षारी पीएच बनाना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार ये पित्तरस जो है, ये जो यकृत से आता है, वो क्या करता है? तो बताना भाई, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, उस पर एंजाइम काम करना मुश्किल है, उसके साथ लवण लगाकर उसके छोटे छोटे भाग को खंडित करेगा, जिससे काम करने की ताकत बढ़ जाती है, जिससे काम करने की ताकत बढ़ जाती है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं।
इमल्शन बनाना, अंदर प्रोटीन रहेगा बाहर की तरफ में जो है वसा, या बाहर वसा अंदर प्रोटीन, और उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में बना देगा, इसे इमल्शन कहते हैं। तो पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में, वसा के इमल्शन में रोल प्ले करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको देखो यार बहुत ज्यादा डिटेल में अपन इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एकदम 10th लेवल की ही चीजें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकर जा रहा हूं, कि आप एक बार यहां पर लिख लें कि बॉस ये जो अग्न्याशय है इसका मुख्य काम क्या है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे काम मैं आपको बता सकता हूं, पर कोई जरूरत नहीं उतना पढ़ने की। और दूसरा यकृत से आता है, तो यकृत में आया भैया पित्त, यकृत से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, पित्त रस। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है यार कि एक को हमने कहा था पित्ताशय, तो क्या पित्तरस पित्ताशय से बनता है? नहीं, पित्तरस जो है वो बनता यकृत में है, पर जाके स्टोर हो जाता है पित्ताशय में, और मुक्त करने के लिए वो पित्ताशय से ही आता है। तो पित्तराश पित्ताशय ये क्या करता है, वसा का इमल्शीकरण, वसा का इमल्शीकरण ये करता है। और अग्नाशय क्या चीज है, अग्नाशय तो यार पीएच मेंटेन करता है, और भी काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति, बस वसा का इमल्शीकरण कर दी, बहुत शानदार, बहुत बढ़ गया। इमल्शन मतलब होता क्या, वसा का इमल्शीकरण का मतलब क्या, बड़ा सा वसा था, साथ में यहां पर लवण था पित्त का, यहाँ पर पित्त था लवण का, मतलब लवण का पित्त था छोटा छोटा, इसने क्या किया, इसको एकदम छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया एकदम ऐसा, और छोटा छोटा तोड़ा तो तोड़ा, उसके बाहर की तरफ पूरा जो है ना लवण लगा दिया, ताकि वो एकदम छोटी छोटी गोली में कन्वर्ट हो जाए, वसा टाइप का दिखे ही ना एकदम, और इसी को इमल्शन कहते हैं, कि वसा के चारों तरफ लवण का वो लगा देना, इमल्शन कहलाता है यही चीज। इमल्शन के बारे में आप जान लेना। अग्नाशय के बारे में आप जानते हो, अग्नाशय के ऊपर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो अग्नाशय हमारा आता है इसके पास बहुत सारे केमिकल होते हैं, इनमें से खासकर एक नाम जाना जाता है ट्रिप्सिन, हालांकि होते और भी हैं, ट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, और भी होते हैं, पर मुख्य नाम उनका ट्रिप्सिन है। सो अग्नाशय रस स्त्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन रोल प्ले करता है, इसका मेन काम ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। तो प्रोटीन पाचन के कितने लोग आ गए, दो लोग आ गए, एक हमारे आमाशय में पेप्सिन था, और यहाँ पर ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। तथा इमल्शीकरण वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम भी उसके पास में होता है, हालांकि उसके पास 6 एंजाइम होते हैं, पर लाइपेज भी होता है, ठीक मान गए। अब क्षुधांत्र की ग्रंथि जो खुद भी आंत स्त्रावित करती है, वो बचे हुए सभी को, अमीनो अम्ल को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज में, वसा के अम्ल को, सब में परिवर्तित कर देती है। तो ओवरऑल आपके पास ये हो गया कि पित्त जो है वो वसा का पाचन कर रहा है, अमाशय जो है वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और लाइपेज के साथ वसा का पाचन कर दिया, और बचा कुचा जो भी काम रहा वो छोटी आंत ने कर दिया। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, इस दुनिया का जितना भी कार्बोहाइड्रेट अब जाना जाएगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट जाना जाएगा, सबका सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो चुका है। जितना प्रोटीन था बेटा जी, वो सारा प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, अमीनो एसिड में बदल चुका है। और जो आपका लिपिड था, वो बन चुका है वसा अम्ल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट हो चुका है। हम पूरी चीजों का पाचन कर चुके हैं, ये पाचन का मुख्य काम है। कर लिए पाचन, पूरा पाचन कर दिए पूरा। अब बात है कि पाचन बस होने से थोड़ी होता है यार, अवशोषण भी करना पड़ेगा ना, इसे रक्त में ले जाना भी है ना। तो अवशोषण करने के लिए मुंह में भी थोड़ा होता है, अमाशय में भी होता है, पर अवशोषण सबसे ज्यादा होता है आंत में। अब बचा हुआ भोजन का अवशोषण करने के लिए हमें आंत चाहिए, आंत में ऐसा होता है। अब सवाल आता है कि ठीक है, मैं मान लिया कि आंत में होता है, आंत में ही क्यों? क्योंकि आंत सबसे बड़ी है, आंत सबसे बड़ी है, और आंत ऐसे उबड़ खाबड़ रहती है, ये उबड़ खाबड़ वाली जगह पे सतह बढ़ता है, इस पूरे बड़े बड़े भाग को, इसको अपन कहते हैं विलाई, अंगुली नुमा प्रवर्ध है, और इस उंगली के ऊपर में भी यहां पर देखा जाएगा ना, तो ऐसा हल्का 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 सूक्ष्मांकुर पाया जाता है, ये भी सूक्ष्मांकुर है। तो ये सब यार अवशोषण को बढ़ाते हैं, ये माइक्रोविलाई है, ये अंकुर है,
ये सब छोटी आंत में होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गैप है, जगह है, इन सभी जगहों पर भोजन रुक रुक के धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो अवशोषण ज्यादा होता है। तो क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं, वही विलाई कहते हैं, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा अवशोषण हो, और इसमें ब्लड वेसल्स है, और अंत में आपका पूरा भोजन जो अवशोषित होगा वो रक्त में पहुंच जाएगा और रक्त से कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहां इसका ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा नए ऊतक के निर्माण आदि करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है। तो आपका भोजन जो है वो पचाया, छोटी आंत में अवशोषित हुआ, ये जो आपकी आंत है वो छोटी आंत जिसे अपन मुख्य रूप से कहते हैं वहां अवशोषित हुआ। छोटी आंत में इसलिए अवशोषित हुआ क्योंकि अंकुर जिसे अपन दीर्घ रोम कहते हैं वो सब होता है इनके पास में, इसकी वजह से अवशोषण बढ़ा। अवशोषण इसलिए बढ़ा क्योंकि इन्हीं के पास ऐसी पतली पतली जगहों पर यहां पर ब्लड का वाहिका होता है, रक्त की वाहिका होती है, और इन रक्त की वाहिकाओं से, ये जो रक्त की वाहिकाओं है यहां पर अवशोषण करके हम उसे पूरे सेल्स में, पूरे बॉडी में लेकर जाते हैं, और जब हम पूरे सेल्स में लेकर जाते हैं तो वहीं पर तो इसकी जरूरत है, वहीं पर तो इसका आवश्यक है जो पुराने वगैरह वगैरह चीजों में चाहिए। जब पच गया सब कुछ, अवशोषण अवशोषण हो गया, तो जो बच गया उसे हमने बड़ी आहार नाल पे, बड़ी आंत में भेज दिया, उसको थोड़ा बहुत अवशोषित किया और उसके बाद भेज दिया मल में उसको। जब सब कुछ काम हो गया, जो बिना पचा हुआ है अब नहीं पच पा रहा है उसे बृहदान्त्र में भेज दिया। बृहदान्त्र का मतलब ही यही होता है, ये हो गया आपका मलाशय, ये पहुंच गए अब हम लोग सीकम, कोलोन, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो थोड़ा बहुत अवशोषण जलल का होता है वो होता है, बाकी सब चीज बाहर पदार्थ से बाहर निकल जाता है, और इस अवरोधनी के द्वारा हम इसे नियंत्रित करते हैं ताकि भाई भोजन है अपनी मर्जी से ना बाहर निकलता रहे, कुछ लॉजिक लगे उसमें कि इस तरीके से ये बाहर निकला है। खत्म। बहुत लंबा चौड़ा मैंने नहीं बताया, मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रखने का प्रयास किया है, बहुत ज्यादा इधर उधर ले जाने की कोशिश नहीं की है और इतनी चीज समझाने की कोशिश की है। एक बार आप हल्का सा समझेंगे तो आपको ये कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हम एक विषय एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि दांत में एक परत होती है इनेमल, सबसे बाहर वाली चिकनी परत जो जल्दी खराब नहीं होती, सिवाय गुटखा खाने वाले, जुबा केसरी करने वालों के, बाकी सबकी ये जो है लगभग सफेद ही रहता है, पर जुबा केसरी वालों का लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कई जगह ना डेंटाइन धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, मृदुकरण होता है, और इसका कारण जो है प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। आपके बैक्टीरिया अगर कभी भी शर्करा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना दे तो अम्ल जो है आपके दांतों को धीरे 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 खराब करने लग जाता है। इसलिए दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पायरिया एरिया नामक डिजीज भी आपने सुना होगा, वो सब भी आपके दांतों को बहुत खराब करते हैं। तो इनेमल धीरे 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 जो है झड़ने लग जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दंत प्लांक बनाते हैं। आपने देखा होगा दांत के ऊपर जो है ना एक परत जम जाती है, एकदम पेक्यूल मतलब टाइप का बन जाता है पूरा, और वो पूरा चिपक जाएगा। अब चिपकने के बाद जो है वो वहां पे धीरे धीरे उसको सड़ाएगा, खराब करेगा, और खराब कर करके धीरे धीरे दांत को खराब कर देता है और दांत आपका टूटने लग जाएगा, दांत को ढक लेता है। लार अम्ल को उदासील करके दंत की सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करके प्लंक हटा सकते हैं। इसलिए जब भी आप दांतन भोजन वोजन करो, बैक्टीरिया और अम्ल जो है वो दांतों को खराब ना कर पाए, इसलिए आप बढ़िया से दांत का ब्रश करो, अच्छे से ब्रश करो, और जितना अच्छा ब्रश कर सकते हो ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं, जलन व संक्रमण भी करते हैं। इसलिए कभी भी पायरिया, ये वो कोई भी बीमारी जो होती है किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, जिससे भी हो सकती है, फंगस से, इनसे बचने के लिए आप अपने दांतों में बढ़िया से साफ सुथरा तरीके से ब्रश करिए और दांतों के क्षरण से बचाइए। समझ रहे हैं बात को? अब आते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो उसका आप प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा कि अगर ये बन गए तो मजा आएगा। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी में अंतर क्या है? यार स्वपोषी पौधे हैं, विषम पोषी हम हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं हम लोग, पौधों और उनसे बनाते हैं, ये दो बातें हो गई। तीसरा अंतर आप खुद लिखो। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से लाता है? जल जमीन से मिलता है, ऊपर से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश तो मिल ही जाता है। बहुत शानदार। हमारे आसपास अम्ल की भूमिका क्या है? अमाशय में अम्ल की भूमिका है पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में और साथ ही साथ में भोजन के आग बनाने में ताकि अम्लता बनी रहे।
पाचक एंजाइमों का काम क्या है, इन एंजाइमों के बिना कोई अभिक्रिया हो नहीं सकती, इनके बिना पाचन नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत जरूरी है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है, तो आप ये बताना। पचे हुए भोजन को दीर्घ रोम यानी विलाई, सूक्ष्म विलाई, इन लोगों की सहायता से सतह बढ़ाकर भोजन को अवशोषित किया जाता है। बहुत शानदार पाठ है, आप इस चीज को बढ़िया मन लगाकर समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसे रीड कर लेना हल्का, तो आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल, जब भोजन हम प्रवेश कर चुके हैं तब, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जितना हम लोगों को खाना वगैरह खाना था हमने खा लिया, ठीक है, पचा लिया, कुछ बढ़िया, सब कोशिकाओं तक पहुंच गया, अवशोषण किया छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और पहुंच गया भोजन तक, वहां तक जहां तक कोशिकाओं को जरूरत है। अब कोशिकाओं के पास, मतलब ये एकदम आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि यार भोजन हमने खाया, चबाया, कुछ एंजाइम आए, और एंजाइम की लिस्ट आप बना लेना कि कहां पे माइलेज, कहां पे पेप्सिन, कहां पे ट्रिप्सिन, कहां पे लाइपेज, कहां कहां से ये सब आ रहा है, ये लिस्ट मैंने आपको समझा दिया है। और उसके बाद पच गया, छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण हुआ क्योंकि उसके पास सूक्ष्म अंकुर थे, दीर्घ रोम था, अवशोषण करके चला गया, जल का अवशोषण बड़ी आंत में हुआ, ठीक है। अब सारा भोजन पहुंच गया अवशोषण करके कोशिकाओं को, यार कि अब हर कोशिका तक पहुंच गया क्योंकि जरूरत तो वहीं पर है। अब कोशिकाओं पर जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से पहुंचा उसका नाम था ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है यार हमारे पास में, अब इसको हमें तोड़ना है, तो इसको तोड़ने की प्रक्रिया चाहे हम अपने शरीर में देखें चाहे हम किसी के शरीर में देखें, तो इसको तोड़ने का दो तरीका है कि या तो यार इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ दो या तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में। अगर तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़े इसको, तो ये बढ़िया पहले पाइरुविक एसिड वगैरह बनता है, पहले ये कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड वगैरह बनता है, और पाइरुविक एसिड बनते तक पहले पाइरुविक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, पहले पाइरुविक एसिड बनेगा, पाइरुविक अम्ल बन जाएगा, और इस पाइरुविक अम्ल को फिर आगे जाकर अगर बढ़िया ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा और मस्त ATP देगा, 38 ATP, इसे YV श्वसन कहते हैं। और अगर बाबू ऑक्सीजन एब्सेंट रहा, पता है तो ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो कभी कभी ये बनाता है यहां पर लैक्टिक अम्ल, क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल, यहां पर जो है लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बना देता है। तो ये जब लैक्टिक एसिड बना देगा तो ATP सिर्फ मिलता है भाई साहब, सिर्फ दो ATP मात्र। तो दो प्रकार के श्वसन हैं, दो ATP जिसे मैं आगे डिटेल आपको करूंगा कि बॉस ये जो ग्लूकोज आपने लिया है, अब ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद लोग सवाल करते हैं ना, सर मैं ये जो सांस ले रहा हूं इसकी जरूरत क्या है, फेफड़े में सांस कर क्या रही है, ये फेफड़े में नहीं भाई साहब, फेफड़े से खून में और खून से इस ऊतक में पहुंचती है जिस ऊतक में मैंने ग्लूकोज को पहुंचाया है। फिर वहां पर ऑक्सीजन मिल गया तो ये सब टूट के 38 ATP, ज्यादा ऊर्जा मिली, और अगर नहीं मिला तो 2 ATP मिला, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए कतई बहुत जरूरी है। आइए थोड़ी बहुत हल्की हल्की NCERT के अकॉर्डिंग बात करते हैं। हमने भोजन वगैरह खा लिया, भोजन तो पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए यार, उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच गए जहां पर हमें ऊर्जा चाहिए, वहां तक पहुंच गया, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं वहां तक पहुंच गई। अब वहां पर अब काम क्या करेंगे, तो कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग करके ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देते हैं, ऊर्जा मिल जाती है इनमें। ये वो लोग हैं जो कार्बन, पहले का ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O टूटे और 38 ATP मिल गई, ऊर्जा मिल गई इनको। जबकि कुछ अन्य जीव जो हैं, मतलब दूसरे पथ का उपयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज पहले जो है 6 कार्बन अणु से 3 कार्बन अणु वाले पाइरुविट में विखंडन होता है, धीरे धीरे वो पाइरुविट में बदलेगा, और पाइरुविट में बदलने के बाद अच्छा ये कार्यक्रम यहां से कहां तक कहां का होता है, यहां से यहां तक का कार्यक्रम कोशिका द्रव्य में है, ठीक है, यहां से यहां तक का कार्यक्रम कोशिका द्रव्य में है। अगर ये वाला कार्यक्रम है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पर अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचा ये रिएक्शन ये इसमें होने के लिए, तो ये भी प्रक्रियाएं जो हैं वो कोशिका द्रव्य में ही हो जाती है।
तो ये प्रक्रिया भी कोशिका द्रव्य में हो जाती है और उन्हें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। तो पहले पायरुविक एसिड में बदलेगी, फिर पायरुविक एसिड में बदलने के बाद वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बना सकती है। तो पेशियों में कभी कभी लैक्टिक एसिड भी बनता है और यही चीज कभी कभी बना देता है किसी दूसरे रूप में, जिसमें कभी कभी ये कन्वर्ट होता है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ये भी अवायवी श्वसन है, यहां पर भी आपको दो एटीपी ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपके तीन प्रकार से श्वसन हो सकते हैं, या तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो 38 एटीपी मिल गया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड बना और उसके बाद इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, या तो फिर लैक्टिक एसिड बन के भी 2 एटीपी। तो ये दोनों ऑक्सीजन एब्सेंट वाली है जिसे अवायवी श्वसन कहेंगे, जिसे आप अवायवी श्वसन कहेंगे। वायु इनमें प्रेजेंट नहीं है जबकि इसमें वायु प्रेजेंट है, इसलिए ऊर्जा ज्यादा मिली, इसलिए ऊर्जा ज्यादा मिली है। तो बहुत बढ़िया। दूसरी प्रक्रिया जो मैं बताया था ये ईस्ट में संभव होता है, किण्वन ईस्ट में संभव हो पाता है। ईस्ट ये वाला करता है, ये जो अल्कोहल बनाता है ना, ये ईस्ट यही वाला करता है, ये ईस्ट में होता है। ये कहां होता है? मनुष्य की पेशियों में होता है, पेशियों में होता है, और ये तो हमारी कोशिकाओं में होता ही होता है। आपने सुना भी होगा कि इस दुनिया में अल्कोहल का उत्पादन कैसे होता है, पता है? एक फंगस है ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसी सेरेवेसी, उससे बनता है। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह को ना अल्कोहल में बदल देता है और अल्कोहल बना देता है। तो ये इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है? क्योंकि यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में है इसलिए इस श्वसन को हम अवायवी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन एब्सेंट था इसमें इसलिए अवायवी श्वसन। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर अपन पायरुवेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ते हैं, अदरवाइज फिर वो ईस्ट में या फिर पेशियों में तोड़ते हैं, ईस्ट में या फिर पेशियों में तोड़ते हैं। तो ये तीन कार्बन वाले पायरुविक एसिड को जब अपन तोड़ते हैं, विखंडित करके तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, दूसरा उत्पाद यहां पर जल का बनता है, दूसरा उत्पाद यहां पर वाटर का बनता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, वाटर। एक और चीज, यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर याद रखना यहां पर 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला 2 पायरुविक एसिड बनता है। ये पीए का मतलब हो गया पायरुविक एसिड, ये 2 बनेगा, उसके पास 3 कार्बन होते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज है, एकदम सीधा सीधा पॉइंट लिखा हुआ है, पता नहीं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखता है, लेकिन है आसान, बहुत सिंपल सा कि यार ये सारी चीजें यहां पर बन गई, बहुत शानदार। अब ये वायवी श्वसन कहलाता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है ये वायवी श्वसन है, इसमें ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, अपेक्षा अधिक, कहां 2 एटीपी और कहां वहां पर 38 एटीपी। तो हमारे पास 2 कार्यक्रम हो गए, एक ईस्ट वाला और एक वायवी श्वसन वाला। अब तीसरा बचा, कभी कभार हमारी पेशियों में भी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जब वो ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो वो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल लेगी। तो पायरुविक एसिड के लिए एक नया कार्यक्रम अपनाता है और जिससे लैक्टिक अम्ल बदलते हैं। जब इनके पास लैक्टिक अम्ल बदलेगा तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में 2 एटीपी मिलेगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी और हमें थकान होने लग जाता है, क्रैम्स आने लग जाते हैं, अचानक से दौड़ते दौड़ते हमारी पेशियों में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जितनी ऑक्सीजन वहां तक पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंची। तो ये जितना कुछ यहां पर लिखा हुआ है बेटा, मैंने अकेले सिर्फ इस फ्लो चार्ट में तुम्हें समझा दिया है कि भैया ये जो ग्लूकोज पहुंचा था, अब इसका 3 रास्ता होगा। पहला रास्ता, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो 3 पायरुविक एसिड बनाया, यहां तक तो सबको पहुंचना ही पड़ेगा, पायरुविक एसिड तक बना कोशिका द्रव्य में, ठीक है? अब ये 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बना, ऑक्सीजन उपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनाकर हमें ज्यादा ऊर्जा दे दिया, पर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, 2 एटीपी। उसके बाद ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाया और ये लैक्टिक अम्ल से भी कम एटीपी मिला, और अगर ये मिला है तो हमें कम ऊर्जा मिलेगी और क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत छोटा सा पॉइंट है और आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। अगले बिंदु पे वही चीज थोड़ा सा डिटेल में यहां पर आपको दिखा हुआ, देखो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य में अभिक्रिया हुई, 3 वायु में अणु और ऊर्जा पायरुविक एसिड बन गया है। यहां से उसने 3 रास्ता अपनाया, जैसा कि हम कह रहे थे ईस्ट, ईस्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन के 2 अणु जो है ऊर्जा 2 एटीपी मिला,
दो एटीपी मिला मात्र यहां पर मिला है, बहुत शानदार। फिर भी यहां पर भी ऑक्सीजन का एब्सेंट है, ये हमारी पेशियों में होता है। लैक्टिक अम्ल बना, ऊर्जा भी यहां पर कम मिली है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल मिली, ऊर्जा मिली, और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तीन प्रक्रिया, तीन डायग्राम, तीन कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत शानदार समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया है। तो जो ग्लूकोज है उसे तोड़ने के लिए हमारे पूरी दुनिया में तीन प्रक्रियाएं होती हैं, दो ठो अवायवी और एक वायवी। जो वायवी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से होती है, यहां से यहां तक का कार्यक्रम कोशिका द्रव्य में हो जाता है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चाहे आप ऐसा बनाओ, चाहे फिर जैसा मैंने बनाया है ऐसा बनाओ, कहीं से भी बनाओ, पर बनाओ, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। आगे बढ़ते हैं। आप एक नाम बहुत बार 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 सुन रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ऊर्जा मिल रही है और मैं ये कह रहा हूं कि एटीपी मिल रहा है। ऊर्जा एटीपी का क्या मतलब है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा जब भी मिलती है तो कभी भी, मतलब यार कभी भी पैसे कैसे मिलते हैं? नोट के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में। करेंसी होती है ना, वो नोट उसी की वैल्यू है, वही हमें एक पैसे का मूल्य देता है, वैसी एटीपी भी है। एटीपी के अंदर बॉन्ड बने होते हैं और वो बॉन्ड टूट टूट के हमें ऊर्जा देते हैं। तो जब हम एटीपी की बात करते हैं तो जब भी कोशिकीय श्वसन होता है तो ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के निर्माण में मिलती है, एटीपी के तौर पर मिलती है, जो कोशिका में ईंधन की तरह एक ईंधन है, वो फ्यूल है। वहां पर एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और यह धीरे धीरे एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं का रिएक्शन करवाती है। तो आपके कोशिकाओं में जो भी चीज मिलती है वो ऊर्जा के तौर पर एटीपी के तौर पर मिलती है। आपको ऊर्जा एटीपी के तौर में मिलेगी और वो एटीपी है। एटीपी जैसे लिखा हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऊर्जा की मुद्रा है, करेंसी है, ये इज अ करेंसी। इसका उपयोग करना है तो आप एटीपी को तोड़ेंगे। जब आप एटीपी को तोड़ेंगे तो आप इसका नाम रखा है आपने, मान लो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब, फॉस्फेट का मतलब हो गया भैया तीन फॉस्फेट है, तीन फॉस्फेट है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। डाइफॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट निकल जाएगा, प्लस एक पीआई निकालेगा तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। फिर इसको और तोड़ेंगे तो एक कन्वर्ट होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, मतलब सिर्फ एक फॉस्फेट बचा इसके पास, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और प्लस एक पीआई और निकल गया। तो ये जो पीआई पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं ना, यही ऊर्जा देकर जाते हैं। जैसे मान लो ये एडिनोसिन है, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, इन बॉन्ड्स को जितना अपन ब्रेक करते जाएंगे ना उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती जाती है, यही एटीपी की कहानी है। तो एटीपी एडीपी प्लस पी डाइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, पी मिल जाता है तो एडीपी और पी मिलकर बन जाते हैं एटीपी। यही है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ब्रेक होता है इससे हमें ऊर्जा मिलती है और माना यह जाता है कि इसके टूटने के सबसे अंत में हमें 30.5 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से हमें ऊर्जा मिलती है। 30.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल एटीपी से हमें 30.5 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एटीपी हमें इतनी ऊर्जा देकर जाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, कोई भी कार्यक्रम हमारे शरीर में जो होता है वो सब एटीपी के प्रेजेंस में होता है। एटीपी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर एटीपी हमारे शरीर में नहीं है तो हमारा शरीर काम ही नहीं कर पाएगा, सुस्त महसूस होने लग जाएगा, ऊर्जा कमजोर होने लग जाती है। इसीलिए हम खाना खाते हैं ताकि ज्यादा ग्लूकोज वगैरह मिले, और ज्यादा ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, ज्यादा एटीपी मिलेगी, और ज्यादा एटीपी जितना ज्यादा हमें मिलेगी उतना ही हम ऊर्जा युक्त महसूस करते रहेंगे। ये एटीपी की कहानी है। अब सवाल ये आता है कि आपने ये बात को समझ लिया कि आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपको 2 एटीपी मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन है तो आपको 38 एटीपी मिलेगा, फर्क है ना। तो ये ऑक्सीजन कैसे आ रहा है और ये ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, इसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट असल में हो कैसे रहा है। वायवी श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। यह वायवी जीवों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में जहां पर भी अभिक्रिया हो, वायवी श्वसन हो, हमारा फेफड़ा इस कदर बना हुआ है कि वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को बार 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 लेते रहें।
अब वो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाती है तो सब में अलग अलग तरीके से जाती है। जैसे माना जाए पौधे, तो पौधों के पास स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वहां से ले लेते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक अपनी त्वचा से ऑक्सीजन को ले लेता है। जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़े, उनके पास ट्रैकिया नामक एक अंग होता है, वहां से वो अपना श्वसन ले लेते हैं। जैसे कि आपने मछलियों को सुना होगा, उनके पास गिल्स होता है, वो वहां से अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारे पास फेफड़ा है और मुख गुहा से, यहां से जब फेफड़ा से सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो पौधों में आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं और वो भी वैसे ही श्वसन करते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहे। पौधों को बहुत बड़ा फेफड़ा नहीं चाहिए, मैं पहले कह चुका था कि पौधों के पास पत्तियां हैं, पत्तियों से आवागमन हो जाता है, जबकि पूरे शरीर की पूरी कोशिकाएं लगभग इतना बहुत थोड़ा बहुत छेद उनके पास रहता है, अवकाश रहता है, जहां से वो उनके शरीर में गैस चली जाती है। तो पौधों को हमारी तरह फेफड़े की कोई जरूरत नहीं है, पौधों के शरीर में विसरण हो जाता है। विसरण जानते हो ना, विसरण मतलब ऐसा पौधा बना हुआ है, उसकी पत्तियां बाहर से बाहर वायु ज्यादा है, अंदर कम है, बाहर से अंदर बाहर विसरण कर लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है धीरे धीरे विसरण के द्वारा डायरेक्टली पौधों में आ गई, उसमें कोई मेहनत नहीं लगी, डायरेक्टली विसरण के द्वारा आ गई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ये कोशिकाएं उनसे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं में पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। पौधों को जैसी जरूरत है वैसा ऑक्सीजन वगैरह वो लेते देते रहते हैं। पौधों का काम ही यही होता है कि पौधे यार दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में छोड़ते भी हैं। पौधों का अपना अपना रोल है, पौधा यार कभी ऑक्सीजन लेते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो पौधों को जब जिसकी जरूरत है, दिन के समय वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के समय वो श्वसन करते हैं तो भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो पौधों में बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है, जब जिसकी जो जरूरत वैसा वो अपने हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे पौधों में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में नहीं हो रही है तो वो हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात में पौधों के नीचे मत सोया करो, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और पौधे कुछ ज्यादा मात्रा में निकालते हैं भाई साहब, तो उससे घुटन हो जाती है, लोग मर जाते हैं और फिर भूत का नाम आ जाता है कि यार पक्का वहां पे भूत रहा होगा इसलिए इंसान मर गया। इसलिए घुटन होती है, वहां पर सोने में घबराहट होती है क्योंकि ऑक्सीजन गायब है वहां से, वहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो तुमको घुटन तो होगी ना। इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कुछ मुख्य आदान प्रदान प्रक्रिया, जबकि दिन में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेते हैं। तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेना और रात के समय ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना उनकी दिनचर्या है। अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो पौधों में ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है यार कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है। रात पौधे जो होते हैं दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे ऑक्सीजन ले लेंगे, तो उनके पास अपना अपना कार्यक्रम चलता रहता है। वो रंध्र से भी कर लेते हैं और डायरेक्टली विसरण से भी वो प्रक्रिया करवा लेंगे। अब ये तो बात रही पौधों की, अब सवाल ये है कि जो पानी में रहते हैं उनको कहां से मिलता होगा ऑक्सीजन। तो जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया मछली, उनके पास पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन होती है, पानी में भी घुली रहती है ऑक्सीजन। उस घुली हुई ऑक्सीजन को, या फिर कभी तुम्हें देखना हो कि पानी में भी घुला हुआ कुछ ऐसा रहता है, तो कभी चूने को पानी में डालना तो देखना अचानक से उबाल मारने लग जाता है, या फिर कभी पानी को उबालने की चेष्टा करना तो देखना अंदर से बुलबुले निकलते हैं। तो ये सब तुम देखे हुए हो कि पानी के अंदर भी वायु होती है, पानी के अंदर वायु होती है। तो पानी के अंदर जो घुला हुआ वायु होगा वही घुली हुई वायु का उपयोग लोग कर लेते हैं। तो जो जीव जल में रहते हैं घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा तुलना में बहुत कम है, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षाकृत द्रुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। द्रुत कहने का मतलब ये बात याद रखना, एक बार क्वेश्चन भी आता है कि यार जो जल में रहते हैं उनका सांस लेना ज्यादा अच्छा है कि हमारा, तो यार हमारे पास तो वातावरण फिर भी है, ऑक्सीजन है, पर जो जल के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती बेचारों को, तो इसलिए उनके साथ बड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हमारे पास सांस लेने की क्षमता ज्यादा अच्छी है, उनके पास थोड़ी सी कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, पहले जल लेगी, उसके अंदर गिल्स होती है, बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, वही गिल्स तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में ले जाता है, फिर वो विलेय जो मटेरियल है घुला हुआ वहां से फिर वो ऑक्सीजन में चला जाता है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी पूरी गैस को
भर लिए, फेफड़े में लेके गए, फिर फेफड़े में जाने के बाद ऑक्सीजन वहां से रक्त में जाती है। हमारे मुंह में ऑक्सीजन थोड़ी रहता है यार, वायुमंडल में तो सारी गैसेस हैं, उन सारी गैसेस को हमने लिया, वो हमारे फेफड़े में गई, फेफड़े में जाने के बाद जो जिधर ज्यादा है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है फेफड़े में और रुधिर में कम है, तो फेफड़े से रुधिर में चली जाएगी, खून में चली जाएगी, और खून में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां से वो फेफड़े में आ जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे ही मछलियों में भी होता है। इसलिए जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हम लोग जो है वायुमंडल के ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अलग भिन्न भिन्न अंगों तक अवशोषित की जा सकती है, कई लोग जो है अलग अलग अंगों से इसे लेते हैं, जैसे कुछ लोग है बताया मैंने त्वचा से ले लेते हैं, कुछ लोग जो है ट्रैकिया से लेते हैं, कुछ लोग जो है फेफड़ा है किसी के पास, किसी के पास क्लोम है, पुस्त क्लोम है, सबके पास अपना अपना संरचना है, और सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। सभी के पास एक ऐसा अंग है जिसका क्षेत्रफल बड़ा होता है और वहां से पूरी गैस वायुमंडल के संपर्क में आती है और वहां से वो आगे बढ़ती रहती है, जैसे हमारा फेफड़ा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने के लिए, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जाने के लिए एक बड़ा रास्ता चाहिए, तो हमारे पास फेफड़ों के अंदर ऐसी ना कुपिका बनी हुई रहती है और इस कुपिका के बाहर ऐसा ब्लड वेसल्स रहेगा, वाहिकाएं रहेंगी, ब्लड रहेगा। अब यहां से इन दोनों के बीच में वहां से आएगा ऑक्सीजन और यहां से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सतह से होता है, सतह विसरण, विसरण से ये सारी चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः ये सतह बहुत पतली होनी चाहिए। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो फेफड़ों के अंदर बहुत पतली त्वचा होनी चाहिए। तो बहुत पतली त्वचा मुलायम त्वचा होती है और इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित होती है। तो यह सारा कार्यक्रम देखना कि तुम्हारे पेट में कहीं पर हड्डी नहीं है, लेकिन तुम्हारे फेफड़े के ऊपर एकदम पूरा जाल बना के रखा हुआ है, एकदम शील्ड लगी हुई है फेफड़े की। क्यों लगी हुई है पता है? ये जो रिब्स पसलियां क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि तुम्हारा फेफड़ा बहुत मुलायम है बाबू, बहुत मुलायम है। उस इतना मुलायम फेफड़ा है, अगर इसको दबा देंगे तो फट जाएगा, तो इसलिए उसके ऊपर उसको सुरक्षा दी गई है, उसको ऊपर से उसके सुरक्षा दी गई है, पसलियां दी गई हैं, इधर 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 बढ़िया पसलियां दी गई है ताकि सुरक्षा मिल जाए। अतः इस क्षेत्र में वायु अपने लिए कोई रास्ता होना चाहिए और इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ फेफड़े तक तो पहुंच, फेफड़ा है, रिब से सब कुछ बना हुआ है, अब हमें चाहिए कि हम सांस ले, यहां से सांस लेंगे वो होता हुआ फेफड़े में जाएगा, फिर फेफड़े में वो आदान प्रदान करेगा, फिर वापस गैस आएगा। तो इतनी बड़ी क्रियाविधि के लिए हमें तंत्र तैयार करना है, इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हमें खुद को तैयार करना है कि यार मैं इतने बड़े कार्यक्रम कर सकूं। अब सोचो मुझे कितना काम करना है, पहले तो वायुमंडल से सांस लेनी है नाक के अंदर, फिर नाक से इतना बड़ा रास्ता पार कराते हुए फेफड़े में जाना है, फिर फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन को भेजना है रुधिर में, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, अच्छा रुधिर तक ऑक्सीजन नहीं, फिर उसको वहां से वो ऊतक तक लेकर जाना है जहां उसकी जरूरत है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, पूरे ब्लड में घुमाना है, फिर फेफड़े में लाना है, फिर फेफड़े से रुधिर से फेफड़े में डालना है, फिर फेफड़े से बाहर निकालना है, फिर नाक से बाहर निकाल देना है। इतना बड़ा कार्यक्रम हमको कंप्लीट करना है और ये होता है श्वसन के द्वारा। इस चैप्टर में एक और चीज बहुत सिंपल जो पूछी जाती है, एक नॉलेज की कहानी है, इसको सुन लो यार। जानने के लिए से तंबाकू, सिगरेट, सिगार, जो भी लोग बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि खाते हैं, कोई भी उत्पाद बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो आपके फेफड़े के लिए, जीभ के लिए, मुंह के लिए, इसके लिए बड़ा कैंसर का कारण बनता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के स्ट्रोक के स्ट्रोक का कारण, बहुत सारे ऐसे, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे तंबाकू जिसमें धुआं नहीं होता, वो भी आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के दौरे के लिए, फुफ्फुसीय बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए अन्य कारणों का प्रमुख कारण है। भारत में गुटखा सेवन से कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें, स्वस्थ रहें बस तंबाकू से बने उत्पाद के लिए नहीं कहें, इसलिए ये बात याद रहे। तो आप तंबाकू से बने उत्पादों से दूर रहना है, कोई अगर खाता आता भी हो भाई तो छोड़ देना, ठीक है, तंबाकू हानिकारक चीज। अब ये तो बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको ट्वेल्थ में कि तंबाकू आपके लिए हानिकारक कैसे है, पर अभी ट्वेल्थ में है तो कोई बात नहीं, हल्की हल्की बात ही जान लेते हैं। अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय ये है कि ठीक है यार अब सांस ले तो लिए, पर सांस अब हम लेंगे कैसे, रास्ता तो बताओ,
मनुष्य का कम से कम बताओ, ठीक है तुम फेफड़ों का नहीं पढ़ा रहे हो, किसी और का नहीं पढ़ा रहे हो, मनुष्य का तो बताओ। मनुष्य में सांस लेने का बहुत सिंपल कार्यक्रम है बाबूजी, और ये कार्यक्रम मैं आपको बताता हूं कि आपने मान लो सांस ली, ठीक है, अब ये जो सांस ली है अब यहां पे आप एक खास चीज देखेंगे कि ये आपकी मुख गुहा है, ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं मुख गुहा, और ये वाला भाग जो है इसे अपन कहते हैं नाशा गुहा, ठीक है। अब नाशा गुहा जब वहां से ब्लड पहुंचा तो ये असल में यहाँ पे आपकी नाक रही होगी ना, सभी जानते हैं, अब उसको डिटेल बनाने की जरूरत नहीं, इसे अपन कहते हैं नाशा द्वार। अब नाशा द्वार के बाद ये ऊपर से यहां पर पहुंचा दिया हमने, ये है ग्रसनी। अब ग्रसनी में यहां से हवा आई और हवा पीछे भोजन की नली और सामने नली है, इसे अपन कहते हैं भाई ये जो भाग है इसे अपन कहते हैं क्या बोलते हैं ट्रैकिया, इसका नाम होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब होता है जो भी होगा श्वास नली, इसे अपन कहते हैं श्वास नली या श्वास नाल कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि यहां पर एक ऐसा ढक्कन सा होता है जो भोजन को आपके, जिसे कहते हैं घाटी, जिसे आप कहते हैं घाटी ढक्कन, ठीक है, घाटी ढक्कन, यह आपके भोजन को फेफड़े में जाने नहीं देता है। इसी के नीचे यहां पर एक विशेष प्रकार का भाग होता है जिसे हम कहते हैं कंठ, मैं बताता हूं कंठ, ठीक है, लैरिंग्स कहते हैं। इसके बाद ये श्वास नली हुई, और श्वास नली आगे जाने के बाद भाई साहब ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब जब ये दो भागों में विभाजित आगे हो जाएगी तो इसका पूरा बड़ा भाग ये जो होगा और इसका पूरा बड़ा भाग इधर होगा, यही तो फेफड़ा होगा, यही तो क्या होगा फेफड़ा। अब ये फेफड़ा जो ये पाइप है आगे जो गई है इधर, ठीक है, इधर हृदय के लिए जगह होगी और इधर अपन रास्ता खोल देंगे, जल्दी जल्दी बना देते हैं। इसके अंदर ये जो पाइप है, अब यहां से ऐसी बहुत सारी ब्रांच शाखाएं टूट टूट के टूट टूट के टूट टूट के ऐसे टूटती चली जाएंगी, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये ऐसी शाखाएं जो हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 टूटती चली जाएंगी और आखिरी में गुब्बारे नुमा संरचना बन जाएंगी जिसका नाम होगा एल्विलाई। ये 12th में आप बहुत 11th में बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल हल्का सा एक बात बता देते हैं कि भाई साहब ये सारा कार्यक्रम ऐसे ही पूरा टूटता है, तो आप इसे और आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए यार कि फेफड़ा से सांस गया तो गया तो गया कहाँ। चलो, पहली बात, वायु शरीर में नाशा द्वार नाक के द्वारा अंदर जाती है, नाशा द्वार जो सांस जाती है वो धीरे धीरे यहां पे नाक बाल नाक रहते हैं हल्के हल्के, फिर उसके अंदर 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 पूरे छोटे 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 रोम होते हैं, उसको चेक करते हैं साफ वायु है कि गंदी वायु है, सब चेक होता है। तो वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल द्वारा धीरे धीरे आगे जाती है, वायु धूल बाकी अशुद्धियों को धीरे धीरे रोकती है, इवन नाक के अंदर एक थोड़ा सा सा द्रव पदार्थ भी भरा रहता है, श्लेष्मा कहते हैं उसको, और उसका काम यह होता है कि कोई भी धूल उसी में चिपक जाए, नाक के अंदर ही चिपक जाए, अंदर बहुत नहीं पहुंच पाए, है ना। तो यहां पर म्यूकस भी होती है जो इस प्रकार का धूल डस्ट वगैरह वगैरह कुछ भी है ना, तो उसको रोक देती है। फिर यहां से वायु कंठ द्वारा फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, यहां से वायु जो है आपके कंठ के द्वारा ये फुफ्फुस फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। कंठ में उपस्थित जो वलय होता है यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, इसका मतलब यह है कि कंठ का काम यह है, यह फिक्स करता है कि वायु जो है ना वो पेट और देखो खाने का भी रास्ता है, वहीं से हवा का भी रास्ता है, तो आपका कोई भी खाना आपके वायु वाले मार्ग में नहीं जाता। कभी सोचा है क्यों ऐसा, फेफड़े में क्यों नहीं जाता, बहुत जल्दी जल्दी खाओगे तभी जाएगा, नहीं जाता क्योंकि आपके पास एक घाटी ढक्कन है, ये वाली चीज होती है, जैसे तुम कुछ निगलने की कोशिश करोगे ना, जैसे अभी देख रहे हो मैंने निकलने की कोशिश की सलाइवा को, तो ये अंदर घुस गया ढक दिया उसको, तो यहां पर भी वही चीज होती है, वो उसको पूरा तरह से ढक देता है,
पूरा कवर कर देता है, तो वायु मार्ग निपतित ना हो इसलिए उसको पूरी तरह से ढक दिया जाता है। ये है आपका फेफड़ा, आपको बनाने का तरीका मैंने समझाई दिया है, वैसे ही हल्का 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 आप बना के अंत में ये बात याद रखना कि श्वास नलिकाएं और ये बाखरी में ये गुब्बारा जिसे अपन कुपिका कहते हैं, जिसे हम कुपिका कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कार्यक्रम होता है। अगर आप इस फेफड़े को देखोगे, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला बना देता हूं कि अगर आप इस फेफड़े को देखोगे, ठीक है, आप इस फेफड़े को देखोगे तो फेफड़ा यहां से ऐसे दो भागों में विभाजित होता है और ये दो भागों में विभाजित होने वाला भाग यहां से इस तरीके से बना हुआ रहता है। नीचे की तरफ का ये जो भाग है इसे हम कहते हैं जनाब डायफ्राम, और ये यहां से ऐसा बना हुआ, थोड़ा सा भाग यहां पर हार्ट रहता है इसलिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। अब ये भाग जो आपको दिख रहा है ये यहीं से ऐसे शाखाएं बनाता हुआ चलता है, दिख रहे हो, देख रहे हो जी शाखा, ठीक है। ये शाखा बनती रहती है और अंत में वहां पर ऐसा गुब्बारा बन जाता है, ठीक है। अब एक एक करके देखना कि ये सब है क्या। इस जगह का नाम ये जो बना हुआ है इसे अपन कहते हैं श्वास नाल, ट्रैकिया, ठीक है। ये पहली वाली भाग जो भाग इसको अपन कहते हैं, इसे अपन कहते हैं श्वासनिका, श्वास नली, श्वास नली, इसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में जरूर पढ़ना भाई साहब, इसे अपन कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी, ये भी ब्रोंकाई है, इसके बाद वाला ये द्वितीयक ब्रोंकाई है, द्वितीयक ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसा लिख देता हूँ 2 डिग्री। उसके बाद और ज्यादा टूटा है, इसके बाद तीसरे का नाम तीसरा ब्रोंकाई भी है, और उसके बाद सबसे आखिरी में भाग आता है बेटा जिसे अपन कहते हैं श्वसनिका, श्वसनिका, और इसको अपन कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंकियोल कहते हैं। और सबसे आखिरी वाला भाग होता है कुपिका, और इनके बाहर की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर फिर फेफड़े वेफड़े बने हुए रहते हैं, वो तो हमने देखा ही हुआ है, ये जो रिब्स हैं पसलिया है, समझे बाबू? बस इतनी डायग्राम की चीजों को बनाना होता है, इतनी कहानियों को पढ़ना होता है। अब हम इसके अगर आगे की तरफ में बढ़े कि ये क्या है, कैसा है, क्या काम करता है, तो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, दो भाग होते हैं, अंदर छोटी छोटी नलिकाएं, बड़ी नलिका, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, अंत में गुब्बारा दिखाई देगा। तो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, अंत में गुब्बारे जैसी संरचना है जिसे हम कुपिका कहते हैं, और ये कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना ही गैसों के आदान प्रदान के लिए जानी जाती है। गुब्बारा ही है जो गैसों का आदान प्रदान करवाता है, ठीक है। तो कुपिका एक सतह है, जितना फूला हुआ रहेगा उतना ज्यादा सतह रहेगी और उतना ज्यादा गैसों का विनिमय हो सकेगा। तो कुपिकाओं के पास में, जैसे ये कुपिका है, अब इस कुपिका के इस तरफ ये है कैपिलरीज है, रक्तवाहिका जिसे अपन कहते हैं, और इन रक्तवाहिकाओं को जब इनकी जगह मिलती है तो यहां से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो विस्तीर्ण जाल होता है, जैसे अपन प्रारंभिक वर्षों में देखे होंगे, कभी आप देखे होंगे, श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां, अच्छा अब सांस लिए तो क्या क्या हुआ, सांस लिए तो यार अंदर गैस आई कैसे, तो जब तुम सांस लेने वाले रहोगे ना तो बाहर प्रेशर ज्यादा रहेगा, अंदर प्रेशर कम रहेगा, और जब तुम सांस छोड़ रहे होगे तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। तो इसको बनाता कौन है, कैसे डिसाइड होता है कि गैस अंदर आनी है कि बाहर आनी है, 11th में ये बहुत डिटेल होगा, हल्का सा मैं आपको बताता हूं, गौर करना मेरी बात पे, ठीक है। ये है डायफ्राम, और इसके बाहर यहां जो बना हुआ है यह है पसली, ठीक है, ये है पसली, इस तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी रहेगा, अंदर पूरा फेफड़ा भरा हुआ है, ठीक है। अब तुम सोचो ये डायफ्राम है, ये ऐसा डोम शेप रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा डोम शेप, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि मान लो ये हमारा डायफ्राम है और ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा फेफड़ा है और ये डायफ्राम है, ठीक है, और इसके बाहर की तरफ ये पसली बनी हुई है हमारी, ये पसली, पसली ऊपर की तरफ जाएगी और ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, तो कैसा होगा, डायफ्राम ऐसा बड़ा हो जाएगा और ये जो डायफ्राम ऐसा चपटा हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, चपटा, अंदर ज्यादा जगह हो गई ना, बताओ मुझे, अंदर ज्यादा जगह हो गई ना, अंदर जगह जैसी हुई बाहर से पूरा का पूरा गैस जो है वो अंदर आ गया,
तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि यार बाहर से गैस अंदर क्यों आती है, तो आप ये बताना कि ये जो डायफ्राम है ये चपटा हो जाएगा और जो पसली है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, तो इसकी वजह से अंदर ज्यादा जगह हो जाएगी और गैस पूरी अंदर आ जाएगी। जस्ट अपोजिट वैसा ही है कि अब गैस बाहर कैसे जाएगी, तो यार ये जो चपटा था वो ऐसा गोल हो गया, बाहर की जो पसली थी वो अंदर की तरफ आ गई, तो पसली अंदर और चपटा से डोम हो गया, तो अंदर गैस कम हो गई और अंदर से गैस कहां चली गई, बाहर। बस इतनी सी बात समझनी है कि गैसों को बाहर से अंदर आने और अंदर से बाहर ले जाने के लिए हमें ये सारी चीज चाहिए होती है, और जब हम इसे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ले जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, पसली ऊपर चली जाती है, पसली ऊपर और डायफ्राम चपटा हो गया, तो इसके परिणाम स्वरूप अंदर की जगह बढ़ जाती है और इस कारण से बाहर का श्वसन अंदर ले ली जाती है और धीरे धीरे कुपिकाओं के अंदर भर जाता है, अंदर भर गया, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुपिका के द्वारा छोड़ी जाती है और बाहर शेष शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कुपिका में चला जाता है और छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर वायु आपस में एक दूसरे से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, मतलब अब यहां तक पहुंचने के बाद यहां से रुधिर में ऑक्सीजन चला गया और बदले में निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो यार जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कुपिका तक आया था वो वहां से कुपिका में गया, कुपिका से बाहर, और ऑक्सीजन पूरे शरीर में चला गया और पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया। श्वास चक्र के दौरान जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अच्छा, इन बीच में एक बात और याद रखना, सांस लेने और सांस छोड़ने में हमेशा एक वायु है जो फेफड़े में हमेशा रहती है, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है। हमारे पास पहले से ही श्वसन रहती है, हमारा फेफड़ा हमेशा एकदम सिकुड़ा सा नहीं रहता, फेफड़ा फूला फैला ऐसा ऐसा फैलता रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा जगह मिलती है, ज़्यादा समय मिल जाता है और फटाफट गैस अंदर बाहर होती रहती है। होप सो आप इस बात को बहुत समझ पा गए होंगे कि बॉस हमारे पास बाहर से गैस अंदर कैसे आई, डायफ्राम चपटा हुआ, पसली बाहर गई, अंदर जगह बचा, बाहर से पूरी गैस अंदर, उसी तरह अंदर गैस थी, वापस पसली अंदर आई, डायफ्राम ऊपर गया, अंदर जगह कम हुई, दबा दिए अंदर तो गैस बाहर चली गई। जब ये कुपिका तक गैस आ जाएगी तो कुपिका तक गैस आने के बाद, ये मान लो कुपिका तक गैस आ गई, अब ये रुधिर है, ब्लड है, अब इनके बीच में गैसों को आदान प्रदान करना है, तो पूरे शरीर से आया है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो विसरण करके इधर चला गया, ऑक्सीजन वहां से इधर आ गया और ये रुधिर से होता हुआ पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजन जाएगा, जब ऑक्सीजन जाएगा तो वहां ओटीपी टीपी बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और गैस बाहर निकल जाएगी। समझ गए बात को, तो बहुत आसान सा है, होप सो सारे बच्चे के समझ में आ गया होगा। फिर एक प्रश्न आता है यार कि अब धूम्रपान हानिकारक क्यों है। अब तुम सोच के देखो कि तुम्हारी ये कुपिका है, ठीक है, ये गुब्बारा है तुम्हारा और इस गुब्बारे से ही तुम सारा कुछ आदान प्रदान करते हो। अब इस आदान प्रदान में लगातार एक धुआं पे धुआं, धुआं पे धुआं, धुआं पे धुआं तुम भरोगे तो इनके जो छोटे 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 छेद होंगे वो सारे छेद क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई चीज लगातार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे फूलती सिकुड़ती है और उसको तुम पतली परत को मोटा कर, यार तुम कभी सिगरेट पीते हैं, कभी आग लगती है तो देखना जहां चूल्हा वगैरह जलता होगा दीवारों पे काला परत जम जाता है, तो सोचो कि जब वो जलने से दीवारों पे काला परत जम जाता है, जहां से धुआं उठ के चला जा रहा है, उड़ जा रहा है, अगर वो धुआं तुम्हारे फेफड़े में जा रहा है तो वापस जाने और वहां से वापस आने में कुछ तो दीवारों पे कुछ तो असर पड़ता होगा ना, दीवारों पे वो धुआं का कुछ तार चिपकता हुआ कि नहीं होगा। धुआं खाली धुआं नहीं होता जो उड़ जाए, धुआं में पदार्थ भी होते हैं जो हमारे फेफड़े से चिपक जाएंगे। अब फेफड़े से चिपक गए, अब तुम जबरदस्ती फिर सांस लोगे, अब सोचो फेफड़ा कितना जल्दी जल्दी अंदर बाहर हो रहा होगा, अब उसमें अगर कोई चीज चिपक जाए तो धीरे धीरे फेफड़ा मोटा होता जाएगा और मोटे फेफड़े को तुम फैलाओगे सिकोड़ोगे तो फेफड़ा तो फटेगा ना, और ये फटेगा तो तुम्हें कैंसर होगा, यही कहानी है। तो फेफड़ा कैंसर दुनिया के मौत का सबसे बड़ा कारण है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बाल जैसी संरचना होती है जिसे हम सिलिया कहते हैं। ये सिलिया का काम होता है भाई कि कोई भी धूल डस्ट धुआं हुआ को आने मत दो। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे 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 बाल बाल ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है
और इनका काम ये होता है कि जब भी कोई धूल डस्ट वगैरह आए तो ये यहीं पे चिपक जाए, आगे ना जा पाए, आगे नहीं जा पाए। ये सिलिया सांस लेने वाली अंदर वाली वायु को चेक करती रहती है कि कोई भी पदार्थ अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे सभी रोगाणु धूल आदि नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हानिकारक रसायन फेफड़े यहीं पर प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी, यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनता है। तो फेफड़ा भाई साहब हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या में अगर धुआं दस्त, अच्छा अलग यही बात नहीं कि सिर्फ सिगरेट पीने से बस हो रहा है, यहां पर एक चीज और ये समस्या है कि यार अगर आप बहुत ज्यादा धूल डस्ट वाले इलाके पे रहते हैं तो भी आपके साथ ये समस्या हो सकती है। अगले विषय पे पहुंचते हैं। अब जैसे जैसे हम जंतुओं को आगे लेकर जाएं, शरीर का आकार बढ़ता जाता है, उनके लिए गैस ज्यादा चाहिए, तो उनके अकेला विषण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त। अब छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं तब तो उनके शरीर में क्या बोलते हैं, रुधिर उधिर में खून उनसे कैसे ना कैसे विषरण करके लेकर जा सकते हैं, पर हमारा शरीर इतना बड़ा है, हर शरीर तक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए खाली ब्लड पॉसिबल नहीं है। हमें चाहिए रंजक, वर्णक, जैसे आपने सुना होगा आपके शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वो पाया जाना ही चाहिए, लेकिन ये हीमोग्लोबिन हर किसी में नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन हर किसी में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है, बड़े शरीर में, ताकि शरीर में दूर दूर तक ऑक्सीजन को आसानी से ले जाया जा सके, विषरण के भरोसे मत बैठे रहो। तो ऐसे शरीर में जो शरीर बड़े होते हैं उनमें फुफ्फुस की वायु को श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन की कमी है तो मानव में श्वसन हीमोग्लोबिन है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का मुख्य जो कारक है। सो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसका परिवहन हमारे शरीर में बराबर बढ़िया करता रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको अंदर बाहर ले जाने के लिए और अन्य माध्यमों से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जैसी चीज जरूरत चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात ध्यान लगा सकते हैं। अब आपको अगर फेफड़े के बारे में जानना हो कि फेफड़ा कितना है, तो अगर हमारे फेफड़े को पूरा फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर, समझ रहे हो, 80 स्क्वायर फिट इतना होता है लगभग आपका ये आधा रूम के बराबर। एक रूम बनता है 10x10 का, तो वो 100 वर्ग फिट का होता है, ठीक है, 100 स्क्वायर फिट का होता है। आप समझ सकते हो कि वो 80 स्क्वायर फिट का हो सकता है, स्क्वायर मीटर का होगा, सॉरी ये फीट नहीं, मीटर है, मतलब एक रूम से घर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर कितना क्षेत्रफल होगा? बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ी सतह होने जरूरत होती है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की गति होती है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु के पैर को अंगुष्ठ तक पहुंचाने में 3 वर्ष का समय लगेगा। अगर विषरण से करवाया जाए, अगर हम विषरण से गैसों का आदान प्रदान करवाएं, तो फेफड़े से अंगूठे तक जाने में 3 वर्ष तक का ऑक्सीजन लगेगा। इसलिए हमारे पास हीमोग्लोबिन है, तो मुस्कुराइए कि आपके पास हीमोग्लोबिन है, अतः नहीं तो ऑक्सीजन जो है ना आपके अंगूठे तक जाते जाते 3 वर्ष लग जाते, बड़ी मुश्किल हो जाती। अब सवाल आ गया हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन कहां से बन रहा है? रक्त में होता है, मतलब रक्त बहुत जरूरी चीज है। मतलब एक अंग को पढ़ोगे तो जैसे ही तुम्हें लगेगा भोजन बहुत जरूरी है, तो पता चलेगा यार भोजन तो बिना ऑक्सीजन के कोई काम का ही नहीं है। फिर पता चला कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो पता चला नहीं ऑक्सीजन के लिए जाने के लिए तो चाहिए यार ये रुधिर ब्लड चाहिए, तो अब ब्लड बहुत जरूरी चीज है। तो आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थली जीव की किस प्रकार लाभप्रद है? स्थली जीव वायुमंडल से डायरेक्टली आदान प्रदान कर लेते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा कार्यक्रम ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता है, ये ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? एक बताया था मैंने, एक ईस्ट में होता है जिसमें इथेनॉल बनता है, एक पेशी में होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे हम 38 एटीपी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कुछ विषरण से और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन से। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? इतना ज्यादा समझाया, 80 वर्ग फीट का होता है, बहुत बड़ा एरिया है, और उनके पास डायग्राम बना दीजिएगा यार कि ये श्वसनी है, फिर कुपिका है, इससे ज्यादा गैसों का आदान प्रदान अंदर बाहर होता रहता है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमारा ये भी कार्यक्रम हो गया। जब हम सांस वांस ले लिए तो आपने ये समझ गया कि यार सांस जो है आपका भोजन पूरे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? रुधिर के द्वारा। आपका ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है? रुधिर के द्वारा।
आपके शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो भी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रुधिर के द्वारा। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि पूरा शरीर रुधिर के कार्यक्रमों पर चलता है, रुधिर के द्वारा शरीर में हर चीज ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास एक तरल संयोजी पदार्थ है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका नाम है ब्लड, जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। और रुधिर में एक विशेष प्रकार का माध्यम है, दो चीजें होती है, एक ब्लड होता है मतलब कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रुधिराणु, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटलेट्स, ये तीन कोशिकाएं और साथ में एक माध्यम जिसका नाम है प्लाज्मा। तो हमारे प्लाज्मा चाहिए होती है, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। तो हमारे पास दो चीज है, प्लाज्मा लगभग 55% होता है और कोशिकाएं लगभग 45% होती हैं। ये दोनों लोग मिलाकर पूरा ब्लड बनाते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है ये बड़ा भाग है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ को घोल घोल के पूरे शरीर में इधर से उधर ले जाता रहता है। लेकिन ऑक्सीजन को ले जाने के लिए लाल रक्त कणिकाएं चाहिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसी से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हालांकि कुछ ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी आरबीसी से जाता है, पर मोटा मोटा मान लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ ये सब प्लाज्मा से चले जाते हैं और ऑक्सीजन मुख्य रूप से आरबीसी से जाता है। तो बहुत सारे पदार्थ जैसे लवण का भी रुधिर वहन वहीं से होता है, इसके लिए हमें से पंपन यंत्र की आवश्यकता है। इतना सारा मटेरियल है जो लगातार आपके पूरे शरीर में जाना चाहिए, फटाफट जाना चाहिए, तो हमको इसको दबाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत तेजी से परिवहन करवाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक पंप यंत्र चाहिए जिसका नाम है हृदय, जो धकेल सके पूरे शरीर में, इन सब चीज़ों को ला सके, वापस ले जा सके, रफ्तार पकड़ा सके। फटाफट हमें इसके लिए एक पूरा रास्ता चाहिए, परिपथ चाहिए, धमनी चाहिए, सिरा चाहिए, हृदय चाहिए, सब कुछ चाहिए ताकि हम पूरे शरीर में भेज सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि इस परिपथ में कभी टूट फूट हो तो इसकी मरम्मत भी हो सके। ये पूरा रास्ता बना के रखें कि इससे पूरी चीज़ें जाएंगी और पूरी चीज़ें आएंगी, इसमें कभी कोई फूटेगा नहीं। अब सोच लो, जस्ट एक धमनी सिरा है, अगर वो फट जाए तो आपके पूरे शरीर में कैसे पूरा मटेरियल जाएगा, आप सोच के देखो। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे हम मटेरियल को अंदर बाहर ले जाएंगे। हम इसमें पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट, अब हार्ट और बाकी चीज़ों के बारे में अब हम समझते हैं। फिर तो अब हम यहाँ से हार्ट के बारे में बात करेंगे यार, कि हृदय जो है वो कैसे काम करता है, हार्ट का असल में क्या उद्देश्य है और हार्ट का मतलब क्यों काम कैसे करना होगा, ठीक है, हृदय कैसे काम करता है। तो देखो यार, हार्ट का कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। डायग्राम बनाते समय भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, पर इसका असल में ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। एक ऐसा पोर्शन है, आप थोड़ा और इम्तिनान से बनाएंगे तो आपसे ये डायग्राम बहुत शानदार तरीके से बन जाता है, ठीक है। ये पोर्शन है, यहीं से हम यहाँ पर चीजें कुछ दिखाते हैं कि यहाँ से कुछ ओपनिंग है जो इस तरफ में जाकर खुलती है और दो तीन पोर्शन पे बनी हुई रहती है, और यहीं से एक पोर्शन और बना हुआ रहता है जो इस तरफ में से जाकर खुलता है, यही हृदय है, ठीक है। ये हृदय का ऊपर वाला भाग आलिंद कहलाता है, ठीक है। ये जो है वो दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ठीक है, दायां निलय है और ये है बायां निलय। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हृदय का सिंपल पोर्शन बनाकर हार्ट अपन समझते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो यार, हमारा हार्ट जो है एक पेशी हृदय है, पेशी अंग है, मसल का बना हुआ है, मुट्ठी के आकार का होता है, और यहाँ पर लगातार दो प्रकार के रक्त आते रहते हैं, ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत। एक ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो रुधिर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलाने के लिए, रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठ में बटा होता है। हमारा आधा हृदय रुधिर के लिए, मतलब पूरा हृदय का पूरा शरीर सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हमारा हृदय चार भागों में ऐसा बटा हुआ रहेगा, ये चार भागों में बटा हुआ, ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिधर से जा रहा हो उधर ऑक्सीजन ना जाए और ऑक्सीजन जिधर जा रहा हो उधर कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए। तो ये जो है मान लो लंग्स है, सो लंग्स से यहाँ पे पहले हमारे पाइप के थ्रू ब्लड आया, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ये पहुंचता है लेफ्ट
मतलब बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निलय जाता है और निलय से फिर यहां से बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब बॉडी में ऑक्सीजन चला गया, अब ऑक्सीजन चला गया तो अब उसके पास क्या मात्रा में बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से यहां पहुंचा सबसे पहले, यहां पर पहुंचा सबसे पहले, यहां से पहुंचा कहां पर, ये पहुंचा सबसे पहले दायां निलय में, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां निलय पहुंचा और फिर निलय से पहुंच गया लंग्स में, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, यही चक्र चलता रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हो क्या रहा है तो मैं पॉइंट कर देता हूं, तो पॉइंट को लिखना। सबसे पहले लंग्स वाला ऑक्सीजन यहां आया, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहां पर पहुंचा, फिर सातवां नंबर, फिर आठवां नंबर। आधा काम ऑक्सीजन वाले को ले जा रहा है, आधा काम कार्बन डाइऑक्साइड वाले को लेकर जा रहा है। इस तरीके से यही कार्यक्रम है हमारे हार्ट का, इसलिए कई कोष्ठ में बटा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हमारे हृदय को ऑक्सीजन को रुधिर में लाना होता है ताकि हम जोर से पंप करें तो पूरे शरीर में चला जाए, और फिर पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय में लाते हैं ताकि वो लंग्स में चला जाए, ठीक है। तो शेष हिस्सों में शरीर में, हमारे शरीर में भेजते हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी लिखी हुई है कि यार चरण में कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है पहले फेफड़े से हृदय में आता है, बाईं ओर आता है। सबसे पहले मैंने बताया था इस तरफ आता है, बाईं ओर आता है, लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड वाले कोष्ठ में आता है, जिसे अपन बायां आलिंद कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है बाएं साइड बायां आलिंद, ठीक है। आलिंद से फिर निलय में जाता है, यहीं पर इकट्ठा करेगा, और बायां आलिंद जब शिथिल रहता है तो धीरे बाद अगला कोष्ठ बायां निलय में जाएगा। बायां आलिंद से बायां निलय में चला गया, निलय से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। जब अपनी बारी पेशी बायां निलय संकुचित होता है, बायां निलय फिर संकुचित सिकुड़ेगा तो अंदर से ब्लड, जैसे बॉटल को अगर दबा दोगे तो ब्लड बाहर नहीं जाता, वैसे ये भी है, जब संकुचित होगा तो ब्लड बाहर बॉडी की तरफ में जाने लग जाएगा। जब रुधिर शरीर में पंप होता है उसी तरह बायां वाला भाग है, दायां वाला, तो दायां आलिंद जब फैलता है तो पूरे शरीर से ब्लड वहां आ जाता है, तो शरीर का विऑक्सीकृत रक्त इसमें आ जाता है, और फिर दायां आलिंद फिर संकुचित होगा तो वहां से नीचे चला जाएगा, और नीचे जाएगा, नीचे वाले निलय में जाएगा, तो दायां निलय में पहुंच गया, फिर निलय संकुचित हुआ तो निलय से फिर वहां पर जाएगा तो आगे अपनी फेफड़े में चला जाता है। तो यही कहानी है धीरे धीरे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यार देखो हमारे पास ये पूरा हृदय है, ऐसा डब्बा बना लेना, ठीक है। तो हमारा जो लंग्स है उस लंग्स से ब्लड सबसे पहले आलिंद, ये निलय में, आलिंद में आया, ये आलिंद है वो भी बायां वाला, ठीक है। फिर यहां से यहां गया, ये निलय में गया, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला निलय से फिर बॉडी में चला गया, फिर बॉडी से ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये पहुंचा दायां आलिंद में, दायां आलिंद फिर संकुचित हुआ तो ये दायां निलय में पहुंच गया, निलय का फिर संकुचन हुआ तो ये वापस लंग्स में पहुंच गया। बस यही है पूरा कार्यक्रम, बारी 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 आप इस बात को पढ़ते रहेंगे, समझ गए। एक लाइन बिल्कुल ध्यान रखना कि इस तरफ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आधा के इस तरफ, इधर ये ऑक्सीकृत रक्त है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीकृत रक्त है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और इस तरफ जो जा रहा है उसका नाम है विऑक्सीकृत रक्त। पूरे डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम को देखकर अपनी कहानी बना लेना, ठीक है भाई। फेफड़े में चला जाता है हृदय, जो आलिंद निलय वगैरह हैं बढ़िया मोटे मोटे रहते हैं, जब आलिंद निलय संकुचित होते हैं तो अब इसका, अच्छा एक बात और याद रखना, यहां पर जब मैं बना रहा था तो बनाते समय मैंने यहां पर ऐसा कपाट सा कुछ बनाया, गेट जैसा दिख रहा है कुछ। जब ये ब्लड यहां से यहां आता है तब तो ठीक है, लेकिन जब ये दबाते हैं तो ब्लड बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके वापस नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर वॉल्व भी है, ये दिख रहा है, ये कपाट है, कपाट वॉल्व जो बैक फ्लो को रोकते हैं। बैक फ्लो मतलब समझ गए, बैक फ्लो रोकना मतलब जो ब्लड जहां से आ गया है वो वापस नहीं जाना चाहिए। आलिंद से निलय में पहुंच गए हो तो निलय से फिर आलिंद में तुम नहीं जाओगे, तो आलिंद निलय जब संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें चार कक्ष के बारे में बताया, आलिंद और निलय, ब्लड कहां कहां से आया ये बता दिया, ब्लड कहां कहां को जाएगा ये बता दिया, और उनके बीच में कपाट है जो बैक फ्लो को रोकते हैं, हमने इसके विषय पे भी बात कर ली, ठीक बात है। फुफ्फुस ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, अगला कहानी। तो अब ये दायां बायां दो भाग है, इसलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा कहते हैं, क्योंकि एक बार पूरा ऑक्सीकृत आता है और एक बार पूरा विऑक्सीकृत आता है, इसलिए हमें दोहरा कहते हैं, ठीक है।
हृदय का दायां बायां, ये आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीकृत रुधिर को मिलने से रोकने के लिए लाभदायक। लेफ्ट और राइट वाला भाग इसलिए अलग अलग बनाया गया है ताकि मिक्स ना हो जाए। आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ इंसानों में बोलते ना कि यार दिल में छेद हो गया है, तो असल में ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, इन दोनों के बीच की जो दीवार है ना उसी में छेद हो जाता है, उसी को दिल का छेद कहते हैं, तो उसमें ब्लड मिक्स होने लग जाता है और ये हानिकारक बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें बचपने में वो होल होता है बचपन से, लेकिन जब वो बचपने कहने का मतलब जब भ्रूणी अवस्था में पेट में होते हैं ना माँ के पेट में, तो उसमें होल होता है जो धीरे धीरे 7वां 8वां महीने का जब बच्चा बनता है पेट में तब तक वो पैक हो जाना चाहिए था, पर अगर वो पैक नहीं हुआ तो उसी को दिल में छेद कहते हैं। खैर, तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह का बंटवारा हमारे शरीर की बढ़िया अच्छा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह पा सकें। पक्षियों में भी वैसे ही होता है, स्तनधारी में भी ऐसे ही होता है, हमें पक्षी में ज्यादा तेज दौड़ना होता है, पक्षियों को उड़ना होता है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए स्तनधारियों को, इसलिए हमारे शरीर में ये कार्यक्रम होता है दोहरा। जैसे कि अगर आप सरीसृप की बात करेंगे है ना, मेंढक सांप इन सब की बात करोगे तो उनके पास ऐसा नहीं होता, उनके पास मिक्स ब्लड जाता है। फिर फिश की बात करोगे तो उनमें तो सब कुछ यार कोई ऑक्सीकृत विऑक्सीकृत उतना कहानी नहीं है, उनके शरीर में विऑक्सीकृत ही जाता है। तो जो जितना ज्यादा ऊर्जा चाहिए उनके पास उतना बंटवारा होकर कार्यक्रम चलता है, हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसलिए हमारे पास दोहरा परिसंचरण तंत्र है, बहुत शानदार। हमारे शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, ऊर्जा के लिए भी बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें चाहिए। ठीक है, जिन जंतुओं को ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है, वैसे जी जैसे हमको अपना तापमान मेंटेन रखना पड़ता है कि दुनिया में टेम्परेचर 0 हो या 35 या 45, हमारा तापमान 37°C रहेगा तो रहेगा, तो हमको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन बिल्कुल प्योर वाला चाहिए। जो लोग अपना तापमान मेंटेन नहीं कर सकते, जो अपने आपको बदलते रहते हैं, जैसे मेंढक है आपको पता है, मछलियां हैं, सरीसृप हैं, ये लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते, ये लोग बदलते रहते हैं, शरीर का तापमान बदलेगा तो देखना ठंड के मौसम में धूप सेकने आ जाते हैं वो लोग, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो जिनका तापमान पर्यावरण पर निर्भर होता है, जल स्थलचर बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, उनके पास 3 कोष्ठ होता है, तो जो उभयचर लोग होते हैं ना और जो सरीसृप होते हैं उनके पास 3 कोष्ठ होता है। अब 3 कोष्ठ को अगर मैं बताऊं कि कैसा होता है तो लगभग कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अब ये 3 कोष्ठ आपको मैं समझाता हूं ये क्या होता है। ये है आलिंद दायां वाला, ये है आपका बायां आलिंद, और एक ही आलिंद आलिंद ये है और ये है निलय। मतलब पूरी बॉडी से ब्लड आया तो सही, ये पूरी बॉडी से ब्लड आया, और कौन सा ब्लड आया है, विऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड यहां से आया है और यहां से आने के बाद निलय पहुंच गया। बायां आलिंद में कौन सा ब्लड आता है, बायां आलिंद में ब्लड आया है भाई फेफड़े से, लंग्स से आया है, कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीकृत, कौन सा रक्त आता है, ऑक्सीकृत, और ये यहां पर आ गया निलय में। फिर यहां पर दोनों मिक्स हो गए भाई साहब, और मिक्स होने के बाद मिक्स ब्लड आगे गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो सरीसृप हैं, जो सरीसृप हैं, खासकर ये देखना जल स्थलचर उभयचर होते हैं इसमें, इसमें एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप बताना, इनमें उभयचर हैं और इनमें सरीसृप भी है। इन लोग के पास हृदय भाई साहब 3 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का हार्ट है, हमारे पास 3 चैम्बर की जगह 2-4 चैम्बर होते हैं, इनके पास 3 चैम्बर है, हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर का हृदय होता है। इनके पास ऑक्सीकृत विऑक्सीकृत रात आता तो बाहर से आता ठीक है, पर आगे जाता है तो मिक्स हो जाता है। मछलियों में कहानी बात करें, मछलियों में केवल 2 हृदय होते हैं, 2 हार्ट का ऐसा चैम्बर, एक ऊपर होगा और एक नीचे, पूरा ब्लड नीचे से ब्लड आया फिर उसके बाद यहां से ही आगे ऐसा चला जाता है। तो यहां पर होगा फेफड़ा, मतलब इनके पास गिल्स पाया जाता है ना, तो ये गिल्स है, गिल्स से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, यहां से ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में फिर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर डाल दिया जाएगा और ये ब्लड यहां जाएगा। ये भी वैसी है, यहां से भी बॉडी से कौन सा ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला यहां से आएगा और ऑक्सीजन यहां से ले लिया जाएगा, ये यहां से पहुंचेगा गिल्स के पास और गिल्स में जो है बचा हुआ ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ले लेगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो आप समझ रहे हैं, ये होता है इनके पास, ये है आलिंद और ये है निलय।
जो रक्त आया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और इस तरीके से इनके पास केवल दो चक्र है और इनका विऑक्सीकृत रक्त ही पूरे शरीर में जाता है। यहां क्लोम मतलब गिल्स में भेजा जाता है जहां ऑक्सीजनित होता है, गिल्स यानी क्लोम में जहां पर ऑक्सीजनित होगा, फिर वहां से शरीर में गया, शरीर से ऑक्सीजन निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आलिंद में आ गया। तो इनके शरीर में ब्लड केवल एक बार आता है, इनमें दो बार आता है लेकिन जाता एक बार है, और हमारे में दो बार आता है दो बार जाता है। तो हमारे पास चार चैंबर का हृदय है, इनके पास तीन चैंबर का है, इनके पास दो चैंबर का है, समझे ये बात है। इसलिए हमारे शरीर में दो बार हृदय आता है, हमारे पास दोहरा परिसंचरण, इनके पास एकल परिसंचरण, और सरीसृप के पास में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब सवाल को हम समझ गए कि ठीक है यार, मान लिया हम हृदय वाली कहानी जान गए, अब इनका नाम हम थोड़ा कुछ बताओ कि यार इनके हृदय तो जान गए, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो मान लो हमारा ये हृदय है, अगला वाला डायग्राम आप याद कर लेना, पर आपको याद करवाने के लिए मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा फेफड़ा है बच्चे, और फेफड़े से रक्त यहां पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता है, और यही से मैं एक ब्लड बना देता हूं कि यहां से ये ब्लड पहुंचेगा बॉडी में, ठीक। ये पहला काम हो गया, बॉडी से ब्लड फिर वापस पहुंचता है इस ऊपर वाले भाग में, और यहां से फिर यहां पहुंचता है, और यहां से वापस लंग्स में पहुंचता है। ये ले जाने वाले कौन है और इनका नाम क्या है, आखिर इनका नाम है क्या? तो मैं बताता हूं, लंग्स के बाद इसको कहते हैं बेटा फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा तब फिर मैं बताता हूं, इसे फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, ठीक है। ये है, आपको तो समझ ही गए होंगे कि ये लेफ्ट आट्रियम है, लेफ्ट आट्रियम का मतलब दायां बायां आलिंद, बायां निलय, और ये वाला भाग जो है इसे अपन कहते हैं धमनी, ये धमनी। अब आप कहेंगे आ रहा है तो जो जो हृदय में लेकर आता है ब्लड को वो शिरा है, और जो जो हृदय से लेकर जाएगा वो धमनी है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान पे रखना, ठीक है। ये लेकर आ रहा है इसलिए फुफ्फुसीय धम शिरा है। कौन सा ब्लड लेकर आ रहा है, फेफड़े से आ रहा है, मतलब कौन सा ब्लड लेकर आएगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। फिर लेफ्ट आट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में धमनी, जो ब्लड लेकर जाएगा, और कौन सा ब्लड लेकर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, तो जो ब्लड लेकर जाएगा वो धमनी है। फिर बॉडी में आए, वापस लंग्स में ला रहा है ना, तो ये शिरा है, ये शिरा है। कौन सा ब्लड लेकर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये लेकर जा रहा है तो ये फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय क्या है, धमनी है। तो कभी भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि यार ये जो धमनी अमनी है वो कौन सा ब्लड लेकर जाती है, तो आप बताना यार देखो ज्यादातर धमनी तो ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, पर एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जो कभी कभी डीऑक्सीजनेटेड भी ले जाती है। सिरा कौन सा ब्लड लेकर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजनेटेड भी ले जाता है। ये डायग्राम आपके सामने बना है, आप इसे जरूर बना लेना। फेफड़ा, फिर फुफ्फुसी धमनी शिरा, फुफ्फुसी महाधमनी, फिर यहाँ कैपिलरीज, महाशिरा, ब्लड वापस चला गया। इस तरीके से कहानी आगे जाती है। अब थोड़ा सा अगर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा प्रेशर के तौर पर नापे, तो ऐसा एक यंत्र लगा के नापा जाता है। तो जब नापते हैं ना तो प्रेशर पता चलता है, तो इसका प्रेशर लगभग लगभग पता चलता है कि 120 mmHg इसका सबसे ज्यादा दाब होना चाहिए, और 80 mmHg इसका सबसे कम दाब होना चाहिए। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इसे आप डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो 120-80 mmHg का होना चाहिए, जो आलिंद के संकुचन और निलय के संकुचन और निलय के शिथिलन के दौरान इतना होता है। याद रखना, हमारा हार्ट जब संकुचन शिथिलन करता है तो 120 mmHg और 80 mmHg का होना चाहिए। 120 mmHg का पारा का संकुचन होगा और 80 mmHg का शिथिलन होता है, ये हमारा ब्लड प्रेशर है। नापा जाता है, इस यंत्र का नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, वो जो यंत्र है जो बीपी ऑपरेटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, और जो कान में लगाया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हम बीमारियों का या फिर बीपी वगैरह का पता लगा लेते हैं, ठीक है। बीपी का वगैरह पता लगाने के लिए अब हमारे पास हार्ट को जान गए, अब उनके आसपास की पाइप कौन कौन सी है जिसको हम उपयोग करते हैं। अगर मैं पाइप की बात करूं तो मैंने वैसे आपको धमनी शिरा समझा दिया है कि धमनी होती है जो पूरे शरीर में ऑक्सीकृत रक्त को ले जाती है, शिरा है जो पूरे शरीर से रक्त को लेकर आती है, फुफ्फुसीय धमनी इसका और फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है। आइए समझते हैं।
तो नलिकाएं कौन कौन सी हैं? धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाएंगी। तो रुधिर से हृदय से पूरे शरीर में ले जाना धमनी का काम है, लेकर आना शिरा का काम है। ठीक है, धमनी की भित्ति मोटी लचीली होती, क्योंकि यार हृदय में प्रेशर है, हृदय में प्रेशर है, तो प्रेशर वाला ब्लड बाहर जाएगा तो वो मोटी होगी। ठीक है, मोटी होती है, उसमें प्रेशर रहता है, उसमें दाब रहता है। ये पॉइंट बना बनाकर लिखते जाना, एक तरफ लिख लेना धमनी, एक तरफ शिरा। धमनी के बारे में लिखना कि रुधिर को रक्त को लेकर जाती है, शिरा रक्त को लेकर आती है। इनके पास जो है वो क्या बोलते हैं, धमनी की मोटी और लचीली, वो पतली और दुबली होती है। इनके पास प्रेशर वाला रक्त होता है, उसके पास प्रेशर वाला रक्त नहीं होता। लेकिन शिराएं रुधिर से एकत्र करके वापस हृदय में लाती, बताया ना मैंने, शिराएं जो हैं वो ब्लड को हार्ट लेकर आती हैं। उनकी भित्ति मोटी उतनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि उनके पास प्रेशर भी उतना नहीं होता। ओके, अब इनके पास प्रेशर ज्यादा है तो इनको वापस आने का खतरा नहीं है। धमनी के पास कोई कपाट नहीं होता, जबकि शिरा धीरे धीरे आता है तो कभी कभी वो वापस भी चला जाता है, इसलिए इनके पास कपाट भी होता है। तो आप एक ऐसा एक डब्बा बना लें, ठीक है, एक तरफ लिख लें धमनी और एक तरफ लिख लें आप शिरा। अब धमनी और शिरा को लिख लें यार, कि धमनी जो है ये हार्ट से कहाँ ले जाता है, ये हार्ट से बॉडी में लेकर जाएगा और ये लेकर आएगा ब्लड को बॉडी से हार्ट में। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में लिख लेना, मैं तो हल्का सा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रेशर वाला ब्लड रहेगा, प्रेशराइज्ड ब्लड रहेगा इनके पास में, ठीक है, और इनके पास कम दबाव रहेगा, कम दबाव मतलब कम प्रेशर, ठीक है। इनकी जो दीवार है वो मोटी रहेगी, दीवार क्या रहेगी बाबू, मोटी रहेगी, और दीवार इनकी क्या रहने वाली है, पतली रहने वाली है। इसमें कपाट जो है, कपाट एबसेंट है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, और इनके पास कपाट क्या है, प्रेजेंट है, कपाट क्या है, प्रेजेंट है। तो बस ये कहानी सारी अपने दिमाग में बैठा के रखना, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं, अब शरीर में जब ब्लड पूरा लेकर जाता है तो ये जब आगे जाता है ना, तो इनके पास होता क्या, देखो जैसे हमारे पास हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, जब हार्ट से आगे निकलता है ना, तो ये आगे निकलता है महाधमनी में, महाधमनी मोटी पाइप, फिर इसके बाद इसकी छोटी पाइप जिसको अपन कहते हैं धमनी, फिर इसके बाद और छोटी पाइप जिसका नाम होता है धमनिका, आर्टेरियोल हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहते हैं, फिर धमनी के बाद इसके बाद होता है सूक्ष्म वाहिका कैपिलरी, इसे अपन कहते हैं कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद आता है हमारे पास शिरिकाएं, ये वापस जाने लग गया ब्लड, है ना, यहां पर सारा एक्सचेंज होगा। सूक्ष्म वाहिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा जाएगा, ये सारा एक्सचेंज, पूरा का पूरा एक्सचेंज विनिमय यहां पर होता है, ना ये एक्सचेंज करते ना ये, या ना ये, बड़ी बड़ी पाइप है। फिर सिरिकाएं, सिरिकाओं से फिर शिरा से फिर महाशिरा, और महाशिरा से ब्लड फिर पहुंच जाता है हार्ट में, यही पूरा सर्कुलेशन है। तो बड़ी बड़ी पाइप हार्ट डायरेक्टली नहीं ट्रांसपोर्ट करता, पाइप बनाकर रखा है, बहुत सारी पाइप बना के रखा हुआ है, तो हार्ट जो पाइप बना के रखा है तो सबसे पहले धीरे धीरे आगे जाएगा, छोटी छोटी वाहिकाओं में बदलता है, धीरे धीरे वो आसपास की कोशिकाओं में उनके बीच में एक्सचेंज होगा, ताकि हर कोशिका अपने आप में जा सके, आपस में मिलकर शिरिकाएं बन जाती हैं और वहां पर वो एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे ना, तो आपको यही दिखाई दे रहा है कि यार ये महाधमनी है, फिर छोटी छोटी धमनियां हैं, फिर ये और भाग में बच के ब्रांच बना लिए, यहीं पर पूरा एक्सचेंज अंदर बाहर चीजें होंगी, फिर ये मिलकर शिरा बना लिए, शिरा फिर आगे की तरफ में बढ़ जाता है। बढ़िया, अब सवाल आता है कि हमारे पास, ठीक है ये तो यार हार्ट वाली कहानी हो गई, है ना, अब जो ब्लड के अंदर है उसमें समझना है, अगर हमारे पास ये पाइप बाहर ब्लड जाना स्टार्ट होगा या फिर कट फट जाए तो क्या हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो यार इनकी पाइप को फटने से या ब्लड को बाहर निकलने से बचाने के लिए हमारे पास एक चीज है, प्लेटलेट, जो रक्त का थक्का जमाता है। यदि कभी कभार हम घायल हो जाए, ब्लड बाहर निकलने लग जाए, तो इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसकी अगर हानि कमी हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, हमारे पंप करने में दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर में कमी आ जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, प्रेशर में कमी आ जाएगी, प्रेशर में कमी आ जाएगी तो इसलिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नामक एक कोशिका है जो रक्त के थक्के को बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, ताकि ब्लड बाहर ना निकल सके, रक्त का थक्का बन सके, ठीक बात है। तो हमारे पास ब्लड के नाम पे एक तो आरबीसीड है जो शरीर को आदान प्रदान करती है, प्लाज्मा है जो मटेरियल लेकर जाती है, एक प्लेटलेट्स है जो रक्त का थक्का जमाती है, एक और केमिकल है जिसका नाम है लसिका, लिम्फ। पूरे शरीर में जैसे धमनी शिराएं होती हैं, वैसी कुछ खाली खाली जगहों पर एक विशेष प्रकार का और द्रव घूमता है जिसका नाम है लसिका।
अगर हम इस लसिका की बात करें तो लसिका एक ऐसा द्रव है जो खाली जगह पे होते हैं, जो कोशिकाओं के भित्ति छिद्रों में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर वगैरह मिल जाता है, जो रिस रिस कर चला जाता है अंतर कोशिकीय स्थान में। कहां चलता है बेटा? अंतर कोशिकीय अवकाश। मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका, हमने पदार्थ दिया, यहां से कुछ बाहर निकल कर आ गया और इन जगहों पर जो प्रेजेंट होगा वो अंतर कोशिकीय अवकाश पे होगा, इसे हम लसिका कह देते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन रंगहीन है, ज्यादा पदार्थ भी नहीं है, थोड़ी मात्रा में इनके पास प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और ये जगह वहां पे रहती है। ये धीरे धीरे मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बन जाती है और आखिरी में जाके शिरा में खुल जाती है। यहां पर जो भी आप कोई चीज अगर आपके रक्त में नहीं जा पा रही है, जैसे वसा है जो आपके रक्त में नहीं जाती, वसा लिपिड तेल वो आपके ब्लड में नहीं जाती, तो जो जो काम ब्लड नहीं कर पाता है वो सारा काम लसिका करेगा। जो जो काम ब्लड नहीं कर पाता वो लसिका करेगा, जैसे वसा का स्थानांतरण शरीर में रक्त नहीं कर पाता तो लसिका करेगा। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो वसा से बनते हैं, स्टेरॉइड से बनते हैं, वो सारा ट्रांसपोर्ट यही लोग करते हैं। तो याद रखना कि भाई कोई भी चीज वसा वसा वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाना हो ना तो हमें लसिका की जरूरत पड़ती है, ये आखिरी में जाके अल्टीमेटली शिरा में ही मिल जाते हैं। तो लसिका क्या है? लसिका एक ऐसा अंतःकोशिकीय द्रव, अंतरकोशिकीय द्रव का पाइप है जो ऐसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनी हुई है जो ब्लड में नहीं जाती, जैसे कि वसा और स्टेरॉइड, उनको ले जाती है। अब रही बात, ये तो मनुष्यों की जो मैंने आपको बताया, पौधों में कैसे परिवहन होता है? तो पौधों में ऑक्सीजन गैस है तो यार डायरेक्टली आदान प्रदान स्टोमेटा से हो जाते हैं, ठीक है स्टोमेटा से हो जाते हैं, सरीले यौगिक ले लेते हैं, हवा से ले लिए हैं और उनका संचरण ऊर्जा का भंडार क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप में पत्तियों में करते रहते हैं, जो भी वो लोग बनाते हैं वो पत्तियों में इकट्ठा कर लेते हैं और पानी वगैरह नीचे है, भोजन ऊपर है। भोजन बना कहां? प्रकाश संश्लेषण हुआ पत्तियों में तो भोजन है भी वहां, और भोजन अपन को जमीन पे चाहिए। मान लो जस्ट लाइक ये पौधा है, अब इस पौधे की इस पत्ती में भोजन बना लिया और मुझे इस पत्ती को अभी भोजन देना है, मान लो ये छोटी पत्ती अभी बनी है, अभी भोजन नहीं बना सकती, या फिर इस तने को भोजन देना है तो कैसे दूंगा मैं, या फिर यहां पर जल है तो ये जल को ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा, पाइप चाहिए हमको भी। तो यहां पर भी जो भी पदार्थ है, भोजन ऊपर से नीचे, पानी नीचे से ऊपर, सब ले जाता है, उसके लिए भी इनको पाइप चाहिए होता है। तो शरीर के निर्माण के लिए जो भी सामग्री पौधों को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण, वो मिट्टी से धीरे धीरे लेकर जाते हैं। पानी का अवशोषण करवाए, जो मिट्टी ही है, जड़ से ऊपर लेकर जाती है और उनके पास होता है नीचे से ऊपर ले जाने वाले क्लोर, ऊपर में धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से धीरे धीरे नीचे भी लेकर ऐसे ही आते हैं। इन सभी चीजों को ले जाने के कारण जो भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है, उनके लिए विसरण काफी नहीं है कि यार एक तरफ ज्यादा है इसके बाजू में कम है तो इधर चले जाओ, फिर कम है इधर और कम है तो इधर चले जाओ। मैंने जैसे बताया, जैसे मनुष्यों में विसरण काफी नहीं है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर थोड़ा 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 चले जाओ, पॉसिबल नहीं है। पौधों में भी ऐसी पॉसिबल नहीं है कि वो विसरण से ही सारा पदार्थ, भोजन पूरे शरीर में चला जाए और पानी पूरा चले जाए। तो इनके लिए कुछ नए प्रकार का तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो। ऊर्जा के लिए हमारे पास में इनका बहुत बड़ा कुछ मृत कोशिकाओं का भाग, जिसे हम जाइलम और फ्लोयम कहते हैं, वो तंत्र उपयोग करते हैं। तो मृत कोशिकाओं का उपयोग करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये थोड़ा धीमी धीमी कार्यक्रम करते हैं, पर कार्यक्रम करती हैं और कुछ समय के लिए बहुत दूर तक लेकर चले, भले धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन लेकर जाएंगे। अब पादप वहन तंत्र में कोई भी ऊर्जा, कोई भी खाना, कोई भी पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, जो भी इधर उधर ले जाना है, उनके पास अपनी खुद की नलिकाएं हैं। तो जल को ले जाने के लिए जाइलम है, मैंने आपको बताया था, जो नीचे से भोजन को, मिनरल्स को, सब कुछ ऊपर लेकर जाता है, और दूसरा है फ्लोयम जो भोजन को लेकर आता है। ठीक है, भोजन कहां था? पत्तियों में। पानी कहां था? जड़ में। तो जड़ से पानी को लेकर ऊपर जाएगा, तो जड़ में पानी बस नहीं जाएगा, खनिज लवण जो भी पानी में था वो सब वहां से ऊपर की तरफ में जाने लग जाएगा, और पत्तियों में भोजन है तो पत्तियों से सारा भोजन पूरे शरीर में जाने लग जाएगा जाइलम और फ्लोयम के द्वारा। तो जाइलम और फ्लोयम, ये बात याद रखना, इनके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम से हम जल और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोयम से हम पूरे भोजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इनका तरीका है। आगे बढ़े, अब जल का परिवहन बात करें तो जल की परिवहन अगेन वही बात है यार, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जल, जाइलम आपस में मिलकर जो है जल का एक बड़ा जाल का निर्माण करती हैं जो पूरे शरीर में आगे जाती रहती हैं, जो धीरे धीरे सक्रिय आयंस को भी लेकर जाएंगी और धीरे धीरे सारा पदार्थ ऊपर की तरफ में लेकर जाता है और ये
मतलब पहले जड़ में होगा और पहले मिट्टी में है, मिट्टी से जड़ में आएगा और जड़ से ऊपर करते 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 ऊपर चला जाता है। अब यहां पर यह पॉइंट यहां पर आता है कि जल जब जड़ की ओर जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे मान लो ये जाइलम है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये जाइलम है और ये हमारी जड़ है। अब जड़ में यहां से पानी पहले इधर आया, वाटर यहां पे अधिक था वाटर, तो यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर धीरे 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 ऐसा ऐसा करते करते कम से अधिक कम से अधिक कम से अधिक कम से अधिक आते 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 धीरे धीरे ऊपर पूरा चढ़ गया। इस तरीके से पूरा पानी ऊपर चढ़ता रहता है। तो जब जल आगे जाता है तो धीरे धीरे अंतर, जैसे मान लो अब ये यहां पर है, ये इधर पत्ती है, पूरा पानी भरा हुआ है। कभी आप पाइप देखा होगा आप लोगों ने कि ये पत्ती का पानी उड़ गया मान लो, तो इसके बाजू वाला पानी उससे जुड़ा हुआ, उसके बाजू वाला पानी उससे जुड़ा हुआ, उसका पानी उससे जुड़ा हुआ, उसका पानी जुड़ा हुआ। जैसे आप पाइप कभी टंकी में देखना और खींच दो तो देखना, एक पानी का टंकी का पानी खींचते रहता है तो पूरा पानी का टंकी पानी नीचे आ जाता है। पाइप से खींचना कभी पानी को, तो ऐसे ही होता है। पानी के अंदर ये ताकत होती है जुड़े रहने की, इसे आसंजन और ससंजन क्षमता कहते हैं, अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जिसे मटेरियल सब जुड़ जाता है और पदार्थ आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये सब कुछ ऊपर जाने लग जाते हैं और धीरे 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 ऊपर जाने लग जाता है। तो जाइलम जो होता है अपने सबसे ऊंचाई बिंदु तक जल पहुंचाने में लगा रहता है, ऐसे ही चला रहता है। इसके पीछे एक रीजन है कि यार थोड़ा थोड़ा पदार्थ ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, बड़ा पदार्थ आपको लगेगा और इसके लिए पूरा टेक्निक होता है, इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अगर पानी को बहुत ऊपर तक ले जाना है तो उसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। ऊपर का पानी हवा में उड़ेगा, फिर उसका बाजू वाला पानी उसकी जगह पे लेगा, फिर उसकी जगह लेगा और जगह लेते 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 पूरा नीचे का पानी ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर आपको पानी ऊपर तक लेकर जाना है तो असल में ये पर्याप्त जलापूर्ति है। पानी ले जाने के लिए आप ऐसे छोटे छोटे रास्तों से उतना ऊपर पानी नहीं पहुंचा सकते कि बस थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पानी को अगर हमें ऊपर पहुंचाना है तो पानी ऊपर पहुंचाने के लिए हमें पूरा रास्ता ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब असल में छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये जलापूर्ति है। पूरा पानी ऐसा पैक भरा हुआ है, ऊपर का पानी वाष्पोत्सर्जन बन के उड़ गया और ऊपर का पानी जब वाष्पोत्सर्जन बन के उड़ गया तो उसके पानी पे उसकी जगह वाइलम की नई पत्तियां, नया पानी आया और धीरे धीरे ऐसा करते करते वो पानी ऊपर चला गया। इसको अगर आपको देखना हो तो एक बड़ी टंकी लेना, उसमें पानी डालना और एक पाइप लगाना और खींचना, तो तुम देखोगे कि एक ड्रम, इतना बड़ा ड्रम है, उससे नीचे का पानी पूरा ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे ऐसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक पानी दूसरे पानी से जुड़ा हुआ है, पूरा ड्रम खाली हो जाएगा उसमें। ये पाइप के खींचने में इतना ताकत होता है, इसलिए जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पानी वहां से जल निकलता है ना, इसलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन बहुत जरूरी प्रक्रिया है कि पौधों का जल यहां निकलेगा, यहां का जल वहां जाएगा, यहां का जल यहां जाएगा, यहां का जल यहां, फिर यहां का जल यहां, और बदले में जल से खिंचाव कर जाता है। यही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है और इसी के द्वारा पूरा पानी जो है ऊपर तक जाता है। तो जल के अवशोषण और जल के पत्तियों तक जाने में अब पानी तो जा ही रहा है तो साथ में मिनरल्स को भी लेके चला जाता है। ये ताप नियमन में भी जरूरी है और इस वजह से रात्रि के समय विशेष, जो अब आप देखेंगे तो विशेष रूप से प्रभावी है। जब दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं तो पानी ऊपर जाता है, रात के समय ये उतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से जल की गति होती है और उसकी वजह से बल मिलता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि यार इतने बड़े बड़े पानी के ऊपर तक पानी कैसे जाता है, जाइलम के द्वारा जाता है और असल में ये जो प्रक्रिया है ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मतलब ऊपर का पानी उड़ गया, उसकी जगह दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी, ये 12th में और 11th में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आई बात भोजन की, भोजन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। तो भोजन बना पत्तियों में, भोजन बना पत्तियों में, तो पत्तियों से वो हमेशा तो उपयोग नहीं करता, तो कुछ स्टोर भी करना है। तो कभी कभी पत्तियों से लाकर फ्लोएम के द्वारा कहीं कहीं स्टोर कर लेते हैं और जब उन्हें विपरीत परिस्थिति में जरूरत पड़ती है तो वो नीचे से ऊपर भी ले जाते हैं। ये पौधों का फ्लोएम का काम है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो उपापचय क्रियाएं विशेष रूप से पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण आदि से वो पत्तियों में भर लिए और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके फ्लोएम के द्वारा ये उपयोग करते हैं, फ्लोएम से सारा ट्रांसपोर्ट होता है। जब भोजन बनता है तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं, जैसे अंग फलों पर, बीज में, वृद्धि करने वाले अंग में, जड़ में, पत्तने में, पत्ती में, हर जगह भर देते हैं और जब जहां जरूरत पड़ती है तब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे देखेंगे कि यार
पानी की गति जो है ना ऊपरी मुखी गति, ऊपरी मुखी गति मतलब नीचे से ऊपर, यूनिडायरेक्शनल। जल हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब जाइलम जो है वो हमेशा खनिज लवण जल वगैरह जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऊपरी मुखी है, नीचे से ऊपर ही जाता है। पर भोजन का काम ऐसा है कि यार आज इस पत्ती में है तो पत्ती से इस जड़ में जाके इकट्ठा हो गया, फिर कल जरूरत पड़ी तो इस जड़ से इस नई पत्ती में भी आ जाता है, तो इधर भी जाता है और ऊपर भी जाता है। तो इनका जो गति है विशेष रूप से याद रखना, ऊपरी मुखी भी है और अधोमुखी भी है, नीचे से ऊपर भी जाता है ऊपर से नीचे भी आता है, ये फ्लोएम का मूवमेंट कहलाता है। तो जाइलम के द्वारा जो परिवहन है वो भौतिक बलों द्वारा समझाया जाता है कि एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट है, जबकि जाइलम द्वारा स्थानांतरण जो है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। जाइलम का पूरा ट्रांसपोर्ट एनर्जी के थ्रू होता है, एनर्जी के थ्रू पहले ग्लूकोज बनता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है सुक्रोज में, फिर वो बनाता है उसको स्टार्च और स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त करके स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, हमने बनाया क्या था, ग्लूकोज बनाया था, अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो फिर वो उसे कन्वर्ट करता है सुक्रोज में, किसमें कन्वर्ट करता है सुक्रोज में, और सुक्रोज बनाकर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, और अगर उसे स्टोर करना हुआ हो तो फिर वो उसे कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। इसीलिए आलू में स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज और सुक्रोज नहीं, समझे, बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज बना देते हैं और स्टार्च स्टोर करने के लिए स्टार्च बना देते हैं, समझे बात को। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और इनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए ये पराषण दाब के कारण होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां सुक्रोज ज्यादा है पराषण दाब ज्यादा है, वहां से कम की तरफ जाता रहेगा और ये सारा ट्रांसपोर्ट इधर से उधर, उधर से इधर, जहां जहां जरूरत हुई वहां जाता रहता है, जहां जरूरत हुई वहां जाता रहता है। इसका मतलब ये है कि यार देखो, बाकी मौसम में पत्तियां भोजन बना रही हैं तो पत्तियां भोजन को पूरे शरीर में भेजेंगी, अब बसंत के मौसम में पत्तियां तो सारी झड़ गई यार, पत्तियों को भोजन तो है ही नहीं, पत्तियां ही नहीं तो भोजन कहां से बनाएंगी, तो ये बाकी मौसम में जो भोजन को संग्रहित करते हैं वो वहां से ला ला के नई पत्तियों को देते हैं। तो इनका भोजन दोनों तरफ जाता है, मौसम जरूरत है कि बसंत के मौसम में जड़ तने से भंडारित शर्करा का ये लोग स्थानांतरण नलिकाओं के लिए वृद्धि के लिए जो है वो ले लेता है, और बाकी समय में वहां जाकर स्टोर करता रहता है। ये सारी कहानियां हैं, ये दो चार प्रश्न है आप दिमाग में लिखना कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम के द्वारा, जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, वाष्प उत्सर्जन खिंचाव के द्वारा, उच्च संगठित पादपों में वाहक तंत्र के घटक क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम, स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन विऑक्सीजन दोधिर को अलग अलग क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्तनधारी पक्षी ज्यादा ऊर्जा लेते हैं, ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा शरीर का तापमान मेंटेन रखते हैं, इसलिए उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं, वही हृदय, वही जाइलम, सॉरी वही धमनी, वही शिराएं, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं अगली प्रक्रिया उत्सर्जन में। भाई साहब, जब हम सब कुछ खा लिए तो हमारा जो बचा कुचा पदार्थ है वो उत्सर्जन है, हानिकारक पदार्थ निकालना है। असल में ये सारे हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होते हैं, तो आप इसे याद रखना, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ हैं, इन्हें हमें निकालना है शरीर से। निकालने के लिए हमें धीरे धीरे सतह जल में, विष जल में डाल के थोड़ा सा उसको पतला कर दें, जो एक कोश की जीव होते हैं ना वो जल के थ्रू डायरेक्टली निकाल देते हैं, कुछ बड़े जीव भी जल के तौर पर बड़ी कोशिकाओं को जरूरत है। अब कुछ लोग तो ऐसे ही निकाल दिए जो छोटे छोटे हैं, पर बड़े बड़े जीव कैसे निकालेंगे, तो हमारे मानव में इसको निकालने के लिए पूरी किडनी होती है। ठीक है, हमारे मानव में इसको निकालने के लिए बहुकोशिकीय जीवों में पूरी किडनी होती है। अब वो पूरी किडनी हमें चाहिए, दोनों तरफ रहती है, हड्डी के पीछे की तरफ यहाँ पे रहेगा, और उस किडनी की जरूरत है हमें। ठीक है, एक जोड़ा मृग चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल अगर आप बनाओगे तो ऐसा है कि यार ये हमारा मान लो भाग है, ये बना हुआ रहेगा, और दूसरा पाइप यहां पर ऐसा बना देते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक इधर पाइप और एक थोड़ा ऊपर की तरफ में ऐसा खींचा हुआ पाइप, दो पाइप रहते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि इस तरफ ना लीवर रहता है हमारे, ये थोड़ा नीचे ही थोड़ा ऊपर ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, आप इसे बनाएंगे तो बन जाएगा, सेम वही चीज, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे, साइज लगभग बराबर रहता है, यही भाग है।
फिर यहां से ऐसी पाइप निकलती है, ये पाइप आगे जाकर जो है एक मूत्राशय में जाकर मिल जाती है और पाइप आगे नीचे निकल जाएगा। डायग्राम बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो हार्ट में जो अपन इसमें देखें किडनी में, तो वृक्क के दोनों तरफ मूत्र वाहिनी वगैरह, यहाँ पर मूत्र बनेगा, सॉरी इस जगह पे मूत्र बनेगा और यहाँ से निकल कर ये मूत्र वाहिनी है और ये मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये लोग करते रहते हैं और धीरे धीरे फिर आगे जाकर निकल जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास यूरिन इतना सारा बना है, सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, सब कुछ निकल गया, कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ जो है बचा है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब जो है हमारे ब्लड से अभी निकलेगा, इसको निकालना है हमें। जैसे अगर आप देखोगे मछलियों में तो वो लोग अमोनिया निकालते हैं, अगर आप कुछ लोगों को देखोगे तो यूरिया निकालते हैं, पक्षियों को देखोगे तो वो लोग यूरिक एसिड निकालते हैं। सबका अलग अलग तरीका है यूरिन निकालने का। तो ये लोग निकालते कैसे? निकालने के लिए इनके पास छानने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन, जिसे आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी ये जानना कि ये नेफ्रॉन है, एक ऐसा अंग है जहां पर हर चीज को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर किया जाता है इन द सेंस, जैसे मान लो हमारे पास ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है और ब्लड में सारे पदार्थ मिले बढ़िया पड़े हुए, तो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसको ऐसा यहाँ पे छान दिए, मान लो एक ऐसा छन्ना लगाए और छान दिए। अब छन्ना लगाए तो क्या क्या छन गया, जो जो एक्स्ट्रा था सब छान दिए, जो जो एक्स्ट्रा था सब छान दिए, बस ब्लड आगे चला गया। अब एक्स्ट्रा क्या क्या था यार, पता चले यार ये एक्स्ट्रा में तो बहुत कुछ चला गया है, बहुत कुछ निकल गया है, तो कुछ कुछ जैसे ग्लूकोज वगैरह निकल जाता है तो उसे वापस ले लेते हैं, वाटर ज्यादा निकल जाता है वापस ले लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ अमाइनो एसिड चले जाते हैं तो वापस ले लेते हैं, तो जो कुछ काम का चीज है उसे वापस ले लिए, इसका नाम होता है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण ये कहते हैं पुनरावशोषण, यहां पर छाने पर्यानिषंदन कहते हैं, निष्यंदन, इसको पहले छाने और छानने के बाद फिर अवशोषण कर लिए, और अवशोषण करने के बाद अब जो बचा छना आखिरी में उसे फिर बाहर निकाले। बात समझ में आई? तो हमारा पूरा का पूरा काम ये है कि यार हमारे ब्लड में बहुत गंदगी है, मान लो बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको पहले छानेंगे, छानने से ब्लड बस आगे बचेगा तो ब्लड को वापस लेकर जाएंगे। जो छना वो इतना छना होता है, आपको पता है 180 लीटर कम से कम छनता है यहाँ पर दिन का, 180 लीटर छनता है, जो 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, 180 लीटर छनता है यार, 180 लीटर निकालते निकालते भर में हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, समझ रहे हो, पूरा दिन भर बाथरूम में बैठे रह जाएंगे यार। तो जो बाकी बचा पानी, ग्लूकोज, ये सब तो बाद में जरूरत पड़ने ही वाला है, वापस ले लो इसको, कचरा ज्यादा फेंकने का मन नहीं करता, वापस ले लिए, फिर आखिरी में जाकर 1.5 लीटर के आसपास कुल मिला के बचाते हैं और बाहर भेज देते हैं उसको। तो ये जो जरूरी है, ये अंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक ऐसे अंग हैं जिसकी जरूरत है, जिसके मुख्य रूप से नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का काम ये होता है कि जो भी पदार्थ आपके शरीर में आ रहा है उसको छानो, और छानने के बाद जो भी काम की चीज है उसको फिर अवशोषित करो, छान के निकाल के अवशोषित करके पुनः अवशोषित करके वापस जो भेज दोगे। तो जैसे छानते हैं तो जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का फिर से पुनरावशोषण कर लेते हैं, जल का फिर से पुनरावशोषण करके जल, जो भी पदार्थ हमको जरूरत है वो सब ले लेंगे, जो जरूरी नहीं है सब कुछ बाहर निकाल देंगे, और आखिरी में फिर ब्लड को पूरा मूत्राशय में जाकर भेज देंगे, उसको जो बचा कुचा हुआ है उसे मूत्राशय में भेज देंगे, और बाद में जब ब्रेन से कंट्रोल करके उसको बाहर निकालते रहते हैं, जब हमें लगेगा कि भर गया है तो उसे निकाल देते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं जा रहा है तो नहीं निकल रहा, नहीं भरा है, तब तक वो बंद रहता है, पता है ना, ब्रेन के थ्रू ही उसको निकालते हैं, यूरिन को निकालने की प्रक्रिया। एक सवाल बहुत पूछा जाता है, कृत्रिम वृक्क अपोहन डायलिसिस, ये आजकल बड़ा कॉमन है, जिसे ज्यादा वो होता है ना, क्या नाम कहते हैं, सुगर उगर हो जाता है, तो अब ये है क्या डायलिसिस क्या? अब कुछ लोगों में किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही है यार, फिल्टर तब होगा, जैसे मान लो तुम कभी किसी कपड़े को धोते हो तो साफ पानी में धोते हो ना, तो गंदा पानी को साफ पानी में, गंदा कपड़े को साफ पानी में डुबाओगे तो साफ गंदे कपड़े का जो मैल है वो साफ पानी में चला जाएगा और वो साफ हो जाएगा, ऐसी साफ होता है, ज्यादा साफ पानी में कम तो गंदा वाला उधर छन गया। थोड़ी देर बाद अगर वो निरमा वाले पानी को बार बार, एक ही कपड़े को बार 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 आप उसी निरमे पानी में डाल रहे हो तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो कपड़ा साफ नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, एक कपड़ा एक साफ बाल्टी का पानी है, एक कपड़ा धोया आपने उसमें उसको फैलाया और सुखा के पानी को टंगा दिया, पानी थोड़ा गंदा होगा, एक और कपड़ा डालोगे थोड़ा और गंदा होगा, तीन कपड़ा डालोगे और गंदा होगा, चार डालोगे और गंदा होगा, दसवें कपड़े के बाद उस कपड़े पानी में अगर तुम धोने के बाद डालोगे तो वो साफ नहीं और निरमा उसमें लगा देगा,
करता है ना, कभी निर्मा कपड़ा पड़ा धोए होगी नहीं, तो वो हो जाता है। वैसे ही हमारी किडनी भी फिल्टर तो तब करेगी नहीं यार, जब हमारी किडनी खुद साफ सुथरी रहेगी, जब किडनी में जब कुछ समझ रहेगा। अब नहीं है तो नहीं कर पाता ऐसा, तो हमें फिर एक आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है। और उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी में मतलब जैसे यहाँ से ब्लड निकालते हैं और ये फिल्टर है, यहाँ से सारा पदार्थ अंदर से बाहर निकाल निकाल के छान लेते हैं और छानने के बाद पूरा वापस शरीर में भेज देते हैं। तो असल में ये पूरी कहानी ऐसी है, इसको 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। पर ऐसे लोगों में जिनके अंदर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक आर्टिफिशियल फिल्टर दे दिया जाता है कि जब छान लो और छानने के बाद वापस अपने शरीर में डाल देना, ये आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है। एक टॉपिक है अंगदान की, अगर किसी का किडनी विडनी काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है यार, तो मर जाएगा, तो एक काम करो किसी इंसान को जो है ना दान वन कर दो, कोई मरने वरने वाला हो तो दान करके उसको दे दो कि यार जाओ बाबू तुम भी थोड़ा सा ऐश कर लो। मस्त, अगली कहानी पे पहुंचते हैं। प्लांट में उत्सर्जन कैसे होगा, अगर मतलब हम तो कर लिए पर पादप कैसे उत्सर्जन कर रहे होंगे, तो पादप उत्सर्जन करने के नाम पे है क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वही है, वो सब निकालते रहते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से धीरे धीरे उनके पास कुछ मरी मरी कोशिकाएं जैसे छिलका निकलता है, गोंद निकलता है, वो सब उनका मृत पदार्थ ही है, पत्तियां निकल जाती हैं, बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ वगैरह भी निकालते हैं जैसे रिक्तिका में संचित रहते हैं, धीरे धीरे वो भी पदार्थ निकलते रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित करते रहते हैं कुछ अवशिष्ट पदार्थों को, अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते रहते हैं। पौधों में ऐसा कुछ बात खास नहीं होता, पौधों में सब कुछ सेम टू सेम है, पौधों में ऑक्सीजन यही सब चीज है, तो वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू छिलकों के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, आप इसको देखना कि नेफ्रॉन की संरचना क्रियाविधि डायग्राम वगैरह थोड़ा सा देखो, नेफ्रॉन की संरचना जैसे पूछेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट संरचना वैसे है इसकी। ठीक है, मैं जनरली जो अभी डायग्राम बना रहा हूँ वो फटाफट वाले हैं, जैसे जो अपन मैं नीट वाले बच्चों को बनवाता हूँ, पर आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको देख के लगा यार क्या गजब फटाफट बता दिया है ना, टफ है ही नहीं ये तो, है ना, तो इसलिए आपको ये बनवा देता हूँ मैं, फिर बाद में इसे और सस्ता वाला बना लियो। ठीक, यहाँ से ऐसा ब्लड जाता है और यहाँ पूरा ऐसा फिल्टर होता है। ठीक है, बढ़िया, यहाँ पर ऐसा 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 जब फिल्टर हो जाता है तो ब्लड आगे बढ़ता है, फिर ये जो चीज है आगे, ये आगे ऐसी जाती है और ये इधर भी शाखित होती है और उधर भी शाखित होती है। अब इधर इनके बीच में बहुत सारा शाखाएं ऐसी बनती जाती हैं और उन्हीं शाखाओं के बीच बीच में, ठीक है, इन्हीं शाखाओं के बीच बीच में यहाँ पर हम चीजें बनाते जाते हैं, समझे, यही है पूरा शिरा धमनी फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये ऐसा ऐसा बना हुआ होता है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर ऐसा लिंक सा थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक, ये पूरा भाग है, बनाना ध्यान से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे चैप्टर्स, ये पूरे टॉपिक, ये पूरी कहानियां खत्म हुई। थोड़ी जल्दी जल्दी चीजें मैंने बताई हैं, पर होप सो आपको वन शॉट के तौर पर ये चीज समझ में आएगी। कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताना, उसकी चीज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। हमारे पास अभी वक्त कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान भाषा में जल्दी बच्चों को समझाया है। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। नमस्कार, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें बच्चे, और बोर्ड में टॉप करने के लिए तैयार रहें, ये चैनल आपकी खिदमत में हमेशा तैयार है। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।